नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है यह है साइकोटिक मायज़म के बारे में। और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मायज़म, तो ये वीडियो वहां जाने वाला है। अब मायज़म के ऊपर मैं कुछ प्रीलिमिनरी जानकारियां आपको दे चुका हूं, तो आप उस प्लेलिस्ट को आप प्ले करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। और ये सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के अंदर ये जो मायज़म है, साइकोसिस हम सबसे पहले इसलिए ले रहे हैं कि मेरी दृष्टिकोण से, मेरे एस्पेक्ट से सबसे ज्यादा मानवता आज की तारीख में किसी मायज़म से अगर परेशान है, और अकॉर्डिंग टू हैनीमैन एंड होम्योपैथिक पायनियर्स के भी हिसाब से जो मायज़म सबसे ज्यादा घातक है मानव जाति के लिए, वो है साइकोटिक मायज़म। और मैं समझता हूं कि ये इस चैनल का सबसे लंबा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप में से वो व्यूअर्स जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जो चीजों को देखना नहीं चाहते, जो टाइम नहीं देना चाहते, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर दें। ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूं और मुझे नहीं पता ये एक घंटे चलेगा, डेढ़ घंटे चलेगा या दो घंटे चलेगा। तो इसलिए ये सब आपके आपके लिए, आपका समय बचाने के लिए मैं आपको ये वार्निंग दे देता हूं कि जो लोग समय डेडिकेट ना कर पाए, प्लीज वो वीडियो से दूर रहें, अपना समय बर्बाद ना करें। और जो लोग इस प्रैक्टिस के अंदर, होम्योपैथी प्रैक्टिस में डॉक्टर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स बन रहे हैं, जो अभी बीएचएमएस कर रहे हैं, न्यूली बिल्ट डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि साइकोटिक मायज़म को समझने के बाद आपकी प्रैक्टिस जो आज आप कर रहे हो आपके लिए 5 गुना आसान हो जाएगी। क्योंकि हमारे सामने से ये केसेस निकल जाते हैं और हम इनको एंटी मायज़मेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, उसी वजह से ये सही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सीधे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ऑलरेडी होने वाला है, तो इसलिए बिना देरी करें हम सीधे दूसरे स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज साइकोटिक मायज़म। अब यहां पे इस वाले, अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसमें से मेरा चेहरा नहीं आएगा इसके अंदर। उसका जो कारण है वो ये है कि मेरा चेहरा देख के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इस चीजों को, इन बातों को समझ के, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, व्हाट इज मायज़म, हम मायज़म को समझने की कोशिश करेंगे। मायज़म को लेके होम्योपैथिक जगत के अंदर बहुत कंफ्यूजन्स हैं, बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं इसको लेके कि एग्जैक्टली मायज़म क्या होता है। तो व्हाट इज मायज़म, मायज़म मींस द नॉक्सियस इन्फ्लुएंस। नॉक्सियस मतलब बीमार करने वाला एक प्रभाव को हम मायज़म बोलते हैं। मोस्ट सिंपली डिफाइंड एज द पर्सन्स इनहेरिटेड डिजीज ग्रुप। Persons inherited disease group, person inherited disease group मतलब हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए, मतलब उसकी सन्मुखता होती है, मतलब उसका डिस्पोजिशन होता है। तो वो जो एक छोटा सा ग्रुप होता है ना डिजीज का, कि हर एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति है ए, तो ए व्यक्ति एक ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए ज्यादा मतलब प्रीडिस्पोज्ड है, बी व्यक्ति जो है वो कोई अलग ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड है ना। तो ये जो ग्रुप का मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप जो होता है कि एक व्यक्ति कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए डिस्पोज्ड है, दूसरा व्यक्ति कुछ एक अलग ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड है, और तीसरा व्यक्ति किसी अलग ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड है, इस चीज को हम कहते हैं मायज़म। मतलब आप मायज़म को समझने के लिए आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि ऊपर वाले ने मनुष्य को बनाते वक्त जानबूझ के 3 गलतियां करी। इसको आप एक कहानी की तरह लीजिए कि भाई अब हम इंसान को धरती पर अवतरित कर रहे हैं, पर इसकी हमको उम्र के ऊपर चेक रखना है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक जिंदा रहे, और स्पेसिफिक टाइम तक जिंदा रहे उसके बाद इसको मरना है। तो उसके लिए ऊपर वाले ने जानबूझ के 3 प्रकार की त्रुटियां करी। उन 3 प्रकार की त्रुटियों को हम मायज़म हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। और ये जो 3 मायज़म है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, तो जो सोरिक व्यक्ति होता है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए उसकी जो रहती है प्रीडिस्पोजिशन होता है, उसी प्रकार से सिफिलिटिक जो मायज़म का व्यक्ति होता है उसका जो प्रीडिस्पोजिशन होता है वो एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए। और जो साइकोटिक पेशेंट है उसका एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए प्रीडिस्पोजिशन होता है। एंड ऑल दीज थिंग्स एंड दिस प्रीडिस्पोजिशन को ही हम कहते हैं, जिसको इसके अंदर डेफिनेशन में क्या लाइन बोली गई है, मायज़म मींस द नॉक्सियस इन्फ्लुएंस मोस्ट सिंपली डिफाइंड एज द पर्सन्स इनहेरिटेड
डिजीज ग्रुप इन हेरिटेज, हेरिटेज बोलता हूं मैं इसको, ये मैंने स्लाइड तैयार करी है। ये जो आप आगे की तरफ आगे वीडियो में जो स्लाइड देखेंगे ये सब मैंने खुद स्टडी करके पावर पॉइंट पे अपने हाथ से तैयार करी है। तो इसको मैं मायसम को मैं किस तरह से समझता हूं, इनहेरिटेड हेरिटेज, हेरिटेज मतलब धरोहर, बोलते हैं ना वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर है ना, कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे स्थान हैं जो विश्व धरोहर है ना, यूनेस्को का बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। तो धरोहर, तो जो इनहेरिटेड धरोहर जो हम अपने माता पिता से अपने जेनेटिक कोड में लेकर के अवतरित होते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज द मायसम। अब आगे पढ़ते हैं, एवरी ह्यूमन हैज इनहेरिटेड मायसम विथ इनहेरिटेड रिस्पॉन्सेज, हर एक व्यक्ति का खुद का अपने मां बाप से मिला हुआ इनहेरिटेड मायसम होता है और इनहेरिटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं उस मायसम के, दैट हैव बीन पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हैनीमैन डिस्कवर्ड द क्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड डिजीज हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड एंड पुट दीज इन टू द थ्री डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ डिजीज। मतलब हैनीमैन ने मायसम की डिस्कवरी की थी, मायसम अभी से नहीं है, मायसम जब से मानव जाती है तब से किसी ना किसी फॉर्म में मायसम था, पर ये जो क्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड क्रॉनिक डिजीज की हिस्ट्री को समझने के बाद हैनीमैन ने इसकी डिस्कवरी करी एंड ही ब्रॉडली कैटेगराइज द थ्री डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ द डिजीजेस एंड दीज थ्री डिजीज ग्रुप वर नेम्ड एज द सोरिक मायसम, साइकोटिक मायसम एंड सिफिलिटिक मायसम। तो दोस्तों ये पहली स्लाइड में हमने जानी परिभाषा की, व्हाट इज मायसम, मायसम एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि ईच मायसम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग होम्योपैथ। आप में से जो डॉक्टर से स्टूडेंट से होम्योपैथी के छात्र हैं, बीएचएमएस के छात्र हैं, आप अच्छे से समझते हैं व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी मतलब आदमी का रिएक्शनरी पावर, व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग होना मतलब क्या होता है कि वी आर द रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म। एक जीव होता है रिएक्शन देता है, एक जीव का और कोई काम नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन देना होता है। ये प्रकृति के अंदर एक जीव आता है तो वो सिर्फ रिएक्ट करता है, वो चीजों के प्रति रिएक्ट करने का काम करता है, वो और कुछ भी नहीं करता। मेरी बात आप समझ रहे हो, तो ये रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म होते हैं और उस रिएक्शन की पावर को हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। मतलब कोई इंफेक्शन आया तो रिस्पॉन्स में फीवर आया, खांसी सर्दी जुकाम हुआ, तो ये ससेप्टिबिलिटी का रिस्पॉन्स है। तो ईच मायसम हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू द एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। मतलब एक व्यक्ति स्पेसिफिक मायसम का एक व्यक्ति, सोरा अलग, सिफिलिटिक अलग, साइकोटिक अलग, तो ये तीनों एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के इनके रिस्पॉन्स करने के वेज अलग होंगे। यहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि ईच मायसम हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ससेप्टिबिलिटी। मायसम का ससेप्टिबिलिटी पे इंपैक्ट होता है और वही ससेप्टिबिलिटी एक इंडिविजुअल के एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के रिस्पॉन्सेस को तय करती है। मायसम ऑल्सो इंपैक्ट्स द पर्सन्स मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। ये हम सब जानते हैं कि मायसम जो रहता है पर्सन की मेंटल और इमोशनल स्टेट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है। देयर फिजिकल रिएक्शन टू द स्ट्रेस टू एनवायरमेंट ऑल्सो हाउ एलोपैथिक ड्रग पैथोजेंस एंड वैक्सीनेशन विल इंपैक्ट हिम। मतलब हमारे रिस्पॉन्सेस अलग अलग चीजों को लेके क्या होंगे वो एक मायसम ही तय करता है कि हाउ अ इंडिविजुअल विल रिएक्ट। वो इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज को कैसे रिएक्ट करेगा, क्रॉनिक डिजीज को कैसे रिएक्ट करेगा, एलोपैथिक मेडिकेशन को कैसे रिएक्ट करेगा, पैथोजन नॉक्सियस एजेंट को कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, एनवायरमेंटल स्टिमुलस को कैसे इफेक्ट करेगा, ये जितने भी इफेक्शंस होते हैं ये सब कुछ ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करती है। और उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसे होगी ये सबसे ऊपर उसका मायसम डिसाइड करता है कि इसका मायसम जो होगा वैसी इसकी ससेप्टिबिलिटी होगी और इसकी ससेप्टिबिलिटी जैसी होगी वैसे ये सब चीजों को रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल सिफिलिटिक पेशेंट आर हॉट पेशेंट जनरली, वहीं पे सोरा जो पेशेंट होता है हार्ड कोर सोरिक एंड ट्यूबरकुलर मायसम के पेशेंट वो सब चिली पेशेंट होते हैं। तो यहां पे टेम्परेचर बाहर अगर गर्मी आई तो देखो गर्मी के अंदर इन दोनों का रिस्पॉन्सेज अलग है और ये कैसे आ रहा है, ये मायसम से आ रहा है कि यार वो सिफिलिटिक पेशेंट है दैट इज वाई इज द हॉट पेशेंट और वो गर्मी गर्मी कर रहा है। और यहीं पे ये लोग
चिली पेशेंट है तो ये ठंड में ठंड ठंड करते हैं, जबकि गर्मी में दे आर नॉर्मल, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्लेंट। अब यहां पे आगे जो इसके अंदर आ रहा है कि द मायजम्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, ये हमेशा याद रखना है। मायजम का बेसिक ब्रॉड कैटेगराइजेशन में जो दो प्रकार के मायजम होते हैं, द वन इज द वेनेरियल एंड द अदर इज द नॉन वेनेरियल, ठीक है ना। ये दो प्रकार के मायजम है टोटल, एक होता है वेनेरियल और एक होता है नॉन वेनेरियल। सबसे पहले वेनेरियल को हम समझते हैं, व्हाट इज वेनेरियल। आपको पता है स्किन का जो डॉक्टर होता है, स्किन और गुप्त रोग विशेषज्ञ, खासकर गुप्त रोग विशेषज्ञ, वो वीडीआरएल होता है। वेनेरियल डिजीज के अंदर उसके पास डिग्री होती है। तो वेनेरियल डिजीज का मतलब जो गुप्त रोग होते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं वेनेरियल डिजीज, ठीक है ना। तो अब जो मायजम दो है, तो सबसे पहले नॉन वेनेरियल समझ लेते हैं कि जो सोरिक मायजम है, सोरा बेसिक जो मदर ऑफ ऑल मायजम, दैट इज द नॉन वेनेरियल मायजम। और वहीं पे जो सिफिलिटिक मायजम, जो अपना ये तो नॉन वेनेरियल मायजम में हो गया सोरिक मायजम, और वेनेरियल मायजम में हो गया विच इज साइकोटिक मायजम एंड सिफिलिटिक मायजम। तो जो साइकोटिक शब्द है ना, ये साइकोटिक शब्द बेसिकली, साइकोटिक मायजम हैज द डीप रिलेशन एंड कंजंक्शन विद द गोनोरिया, गोनोरिया या फिगवार्ड डिजीज जो होते हैं ना, कि गोनोरिया के अंदर गोनोरियल डिस्चार्जेस होते हैं, ग्लैंड्स पेनिस पे वार्ट्स आ जाते हैं, मस्से आ जाते हैं। तो व्हाट इज गोनोरिया, गोनोरिया इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो गोनोरिया से रिलेशन में जो मायजम है, दैट इज द साइकोटिक मायजम, एंड द सिफिलिटिक मायजम मीन्स सिफिलिटिक शंकर की बात हो रही है, कि जो सिफिलिस का जो मेन निशानी होता है, सिफिलिस जो बीमारी, एक्चुअल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एसटीडी वाले सिफिलिस की बात कर रहा हूं, तो वो जो सिफिलिस होता है वो क्या होता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है सिफिलिटिक शंकर। तो वो जो सिफिलिटिक डिजीज है, सिफिलिस है जो एसटीडी वाला, सिफिलिटिक मायजम उसके साथ कंजंक्शन में है। अब जो सिफिलिस और गोनोरिया बोथ आर द टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनेरियल डिजीज, एंड द साइकोटिक एंड सिफिलिटिक मायजम हैज द डायरेक्ट कंजंक्शन एंड रिलेशन विद दीज टू डिजीजेस, दैट इज वाई इसीलिए साइकोटिक और सिफिलिटिक को रखा गया है वेनेरियल मायजम में। दीज टू आर द वेनेरियल टाइप ऑफ मायजम, एंड द सोरा इज द नॉन वेनेरियल टाइप ऑफ मायजम, बिकॉज सोरा इज द हैज द वेरी डीप रिलेशनशिप विद द ईच डिजीज, ईच मतलब खुजली वाली बीमारी, स्किन डिजीज, ओके। तो ये हमने समझा। अब हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, जो थर्ड स्लाइड है। थर्ड स्लाइड के अंदर क्या बताया गया है, द साइकोटिक मायजम का इंट्रोडक्शन एंड नॉमिनक्लेचर। अब ये अपन ने समझा मायजम की परिभाषा, मायजम क्या होता है, क्यों होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम, क्योंकि ये वीडियो हमारा साइकोसिस के बारे में है, मेनली वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द साइकोसिस, तो आज हम साइकोसिस के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हम साइकोटिक मायजम के बारे में ही चर्चा करेंगे, हम और किसी बात के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चालू करते हैं साइकोटिक मायजम। साइकोटिक मायजम का इंट्रोडक्शन एंड नॉमिनक्लेचर। द वर्ड साइकोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइको विच मीन्स फिगवार्ड्स। फिगवार्ड्स मतलब समझते हैं, मस्से हम देखते हैं, हमको सबको पता है, हमें से जो भी होम्योपैथी का जरा भी नॉलेज रखता है, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, प्रैक्टिशनर हो, या फिर एक आम आदमी हो, अगर आम आदमी भी कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो दे नो दैट द थूजा इज द वेरी गुड मेडिसिन फॉर व्हाट, वार्ट्स। वार्ट्स मतलब मस्से। तो जो साइकोटिक वार्ट होते हैं, मतलब साइकोटिक मायजम का जो शब्द आया था, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइको विच मीन्स फिगवार्ट। फिगवार्ट मतलब मस्से, जो हम स्किन पे मस्से देखते हैं जनरली। सो द साइकोसिस और साइकोटिक मायजम इज नेम्ड अपॉन द डिजीज विच इज नोन एज द फिगवार्ट डिजीज। ये उस जमाने में होता था, ये ऐसे मस्से के जो रोग होते थे, बेसिकली इनको बोलते थे फिगवार्ट डिजीज, क्योंकि मस्से हो रहे हैं तो उसको फिगवार्ट हो रहे हैं, और ये अपने आप में एक बीमारी थी, एक जमाने में थी, आज भी है। तो जो साइकोटिक जो वर्ड है, साइकोसिस मायजम का जो साइकोटिक वर्ड है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड और ग्रीक वर्ड विच इज नोन एज द साइको,
साइको का मतलब होता है फिगवर्ड, और इसलिए साइकोटिक मायाजम का जो नेम है उसका अगर हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द फिगवर्ड डिजीज, और ये फिगवर्ड डिजीज ही है जिसके ऊपर इसका नामेनक्लेचर करा गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां से बहुत ध्यान से वीडियो देखना, आपकी लाइफ बदल देगा ये वीडियो। अगर आप प्रैक्टिशनर हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आपका परसेप्शन होम्योपैथी का, और आपके रिजल्ट्स 10 गुना हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को ढंग से समझ लिया तो। अब ये जो तीन मायाजम जिनकी अभी मैंने बात करी, जिनका इंट्रोडक्शन दिया, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, इनके तीनों के निकनेम रखे गए हैं। जैसे कि अपन यहां साइकोसिस की बात कर रहे हैं तो साइकोटिक मायाजम को बोलते हैं मायाजम ऑफ एक्सेस। एक्सेस बोले तो जास्ती, चीजों का ज्यादा होना, चीजों का एक अपना वैल्यू के अपर लिमिट के ऊपर होने को हम बोलते हैं एक्सेस होना। और वहीं पे बाकी दो मायाजम का भी अगर हम निकनेम देखें तो जो सोरा है उसका निकनेम है मायाजम ऑफ डिफिशियंसी। जिस तरह से साइकोटिक मायाजम है ये मायाजम ऑफ एक्सेस है। अब साइकोटिक मायाजम को मायाजम ऑफ एक्सेस इसलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बट सोरा को मायाजम ऑफ डिफिशियंसी क्यों बोलते हैं ये सोरा के ऊपर जब वीडियो आएगा तो उसमें बताऊंगा, यहां पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। उसी तरह से सिफिलिटिक मायाजम को मायाजम ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मायाजम होता है, ये आप सब लोग जानते हो। सिफिलिस का मतलब डिस्ट्रक्टिव डिजीज से सीधा लेना देना है, ठीक है ना। तो ये तीनों के निकनेम है, सोरा को बोलते हैं मायाजम ऑफ डिफिशियंसी, साइकोसिस को बोलते हैं मायाजम ऑफ एक्सेस, एंड सिफिलिस को बोलते हैं मायाजम ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों अब फोर्थ स्लाइड में आते हैं हम। अब साइकोसिस क्या है, अब साइकोसिस के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। साइकोसिस इज वेनेरियल क्रॉनिक मायाजम। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन, साइकोसिस इज द टर्म फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ गोनोरियल वायरस और मायाजम और क्रॉनिक मायाजमेटिक फॉर्म ऑफ गोनोरिया हूज प्रीडोमिनेंट सिम्टम आर ओवरग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मायाजम ऑफ एक्सेस। ये आगे और अच्छे से हर एक स्लाइड के साथ ये चीज क्लियर होती जाएगी। हैनीमैन क्या कहते हैं कि वेनेरियल क्रॉनिक मायाजम है क्या साइकोसिस, ये तो पता है आपको कि मायाजम दो प्रकार के, नॉन वेनेरियल वेनेरियल, नॉन वेनेरियल में सोरा और वेनेरियल में सिफिलिस साइकोसिस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन, साइकोसिस इज द टर्म फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ गोनोरियल वायरस या मायाजम की बात हो रही है कि जो जिनको गोनोरिया होता है, जिनको गोनोरिया होता था पहले के जमाने में, आज गोनोरिया प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है ना। तो जिनको गोनोरिया हुआ करता था, तो जो गोनोरिया जब हुआ करता था तो उस जमाने में ट्रीटमेंट रेशनल थे ही नहीं, तो गोनोरिया के सप्रेशन जब बॉडी के अंदर ये लोग कर देते थे, मतलब गोनोरिया हुआ उसका ये कोई भी चंपू तरीके से इनने इलाज करा, वो सप्रेस हो जाता था बॉडी में, और फिर जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट जो बॉडी में आते थे उससे उत्पत्ति हुई थी साइकोटिक मायाजम की। आप ये समझिए, ये हर एक स्लाइड को वीडियो पॉज करके आप बार बार पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे इसको। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन, साइकोसिस इज द टर्म फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ गोनोरियल वायरस और मायाजम, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो क्रॉनिक मायाजमेटिक फॉर्म ऑफ गोनोरिया हूज प्रीडोमिनेंट सिम्टम था ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। ये भाई साइकोटिक मायाजम को इसलिए एक्सेस का मायाजम बोलते हैं कि ये बेसिकली वेनेरियल मायाजम, वेनेरियल क्रॉनिक मायाजम है, क्यों होता है गोनोरिया के सप्रेशन के कारण जो कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होते हैं, या फिर क्रॉनिक मायाजमेटिक फॉर्म ऑफ गोनोरिया के कारण ये होता है, जिसका सबसे प्रीडोमिनेंट लक्षण क्या है ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यूज, ये टिश्यू की ओवरग्रोथ को कराता है फिजिकल ग्राउंड पे। अब अभी से भेजे में चीजें पैदा मत कर लेना उसको, मतलब आप क्या बोलते हैं प्रीजुडाइज मत हो जाना कि ओवर ग्रोथ में, मतलब जितनी गांठें होती होंगी तो वहां पे भी साइकोटिक पेशेंट होता होगा, या कैंसर में अगर ओवर ग्रोथ हो रही है तो भी वो साइकोटिक पेशेंट होगा। अभी से मत करो प्रीजुडाइज उसको, बस अभी सिंपली समझो कि ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू की वजह से इसको मायाजम ऑफ एक्सेस बोला गया था, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इवोल्यूशन ऑफ साइकोटिक मायाजम। अभी अपन यहां पे कहां पे आ गए कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोटिक मायाजम ये कैसे होता था कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन, साइकोसिस डेवलप व्हेन द फिजिशियन डिस्ट्रॉयज द फिग वार्ट और एक्सटर्नल वार्ट अपॉन द स्किन, बट दिस इज द पॉइंट व्हेन स्टार्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल डिस्क्रेशिया। ये देखो ये थ्योरी ऑफ सप्रेशन पे वीडियो बनाया है मैंने,
वो मेरी लिस्ट में चले जाना, जो प्लेलिस्ट है मायाजम उसके अंदर मैंने बताया है कि सप्रेशन जो रहता है ना, दैट इज लाइक द टाइम बॉम्ब। मतलब जो फिगवार डिजीज हुआ करती थी तो ये गधे क्या करते थे बेवकूफ, कि ये जो मस्सा हो रहा था उसी के ऊपर ध्यान देते थे। उसका इंटरनल थ्योरी तो उनको पता नहीं थी कि भाई ये साइकोटिक रिप्रेजेंटेशन है या फिर ये फिगवार डिजीज है, तो उसको वी शुड ट्रीट इट रैशनली। इसको हमको एक ऐसा इंटरनल ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे ये जड़ से रेडिकेट हो जाए। गधों की तो भरमार तब भी थी, आज भी है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमन, साइकोसिस जब डेवलप होता है, जब व्हेन द फिजिशियन डिस्ट्रॉय द फिग वार्ट या एक्सटर्नल वार्ट अपॉन द स्किन, की जो फिग वार्ट, दोस्तों थोड़ा सा माफी चाहूंगा अगर वीडियो में हल्की सी आवाज आए तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे को फैन थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी लग रही है, ठीक है ना। तो साइकोसिस कब डेवलप होता है कि जब एक फिजिशियन फिग वार्ट को या फिर एक्सटर्नल वार्ट को अपनी जगह से हटा देता है। अपनी जगह से हटा देता है मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट करता है, और फिर वो बेवकूफ क्या सोचता है कि मैंने तो बीमारी को अलग कर दी। और ये वो पॉइंट होता है जब प्रकृति अपने आप को साबित करती है कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्रकृति है, और तब जाके इंटरनली साइकोटिक मायाजम का डिस्क्रेशिया, मतलब डिस्क्रेशिया का मतलब डिजीज से 1000 गुना बड़ी चीज होती है डिस्क्रेशिया। एक डिजीज तो छोटी सी बीमारी होती है कुछ लक्षणों के साथ, पर इन फिगवार्ड्स को जब सरफेस के ऊपर से गायब करा जाता है तो वो वहां से गायब होते हैं, और अल्टीमेटली स्टार्ट होता है एक साइकोटिक मायाजम का इनहेरिटेंस का पैदा होना बॉडी में, और वो एक डिजीज से 100 गुना बड़ी ज्यादा इंसिडेंट है। तो डिजीज से, एक बीमारी से 1000 गुना ज्यादा बड़ा इंसिडेंट होता है मायाजमेटिक डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज, ठीक है ना। तो यहां पे यही बात हो रही है कि जब फिजिशियन डिस्ट्रॉय द फिक वार्ट और द एक्सटर्नल वार्ट अपॉन द स्किन, बट दिस इज द पॉइंट व्हेन स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल डिस्क्रेशिया। तो एक्सटर्नल वार्ट, अभी मैंने छोटा सा ग्राफ भी बनाया है यहां पे कि एक्सटर्नल वार्ट ऑफ द स्किन, उसका सप्रेशन करा। सप्रेशन मतलब कोई भी शॉर्टकट तरीके से कॉटराइज करके, कैसे भी करके। ये जो पुराने जमाने में जब ये फिग वार्ट डिजीज, जब गोनोरिया बहुत ज्यादा होता था, तब की बात हो रही है ये, तब इसका डेवलपमेंट हुआ था, तब ये इसने मायाजम ने अपना जन्म लिया था, ठीक है ना। और ये अल्टीमेटली साइकोटिक मायाजम नाम की चीज पैदा हो जाती है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा मन बनाए रखिए वीडियो के अंदर, थोड़ा सा लेंदी जाएगा पर आप लोगों की लाइफ बदल के जाएगा, इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूं। अब अगली स्लाइड पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस, साइकोसिस की हिस्ट्री की बात करते हैं कि साइकोसिस का ऑन पेपर कब मतलब आया था इसके बारे में, कि कब साइकोटिक मायाजम का कीड़ा लोगों के दिमाग में कब पैदा हुआ, हनीमैन ने इसको कब ढूंढा। इन द 18th सेंचुरी स्कॉटिक सर्जन जिनका नाम जॉन हंटर था, इनका जो बर्थ था वो 1728 से लेके 1793 तक ये जिंदा रहे थे। ही वॉज द वेल नोन डॉक्टर एट दैट टाइम एंड ही एक्सेप्टेड द प्रिवेलिंग नोशन। तब जो नोशन उस जमाने में मेडिकल इंडस्ट्री में एक नोशन हुआ करता था, वो उसको ही एक्सेप्ट करते थे। और नोशन क्या था, गोनोरियल डिस्चार्जेस एंड द सिफिलिटिक अल्सर आर कॉज्ड बाय द सेम वेनेरियल इन्फेक्शन। तब ये माना जाता था कि गोनोरियल डिस्चार्जेस मतलब गोनोरिया, ठीक है ना, मतलब ये तब की बात कर रहे हैं हम 18th सेंचुरी में, ये माना जाता था कि गोनोरियल डिस्चार्ज और सिफिलिटिक अल्सर जो बनते थे, क्योंकि गोनोरियल जो गोनोरिया जो होता था वो तो गोनोकोकाई नाम के बैक्टीरिया से होता था, वहीं सिफिलिस का जो बैक्टीरिया था वो टिम्पोनेमा पेलिडम नाम के बैक्टीरिया से सिफिलिस होता था, शायद मैं सही हूं, शायद, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, मुझे नहीं पता कि सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, शायद यही है टिम्पोनेमा पेलिडम है। तो पर तब 1700-1800 सेंचुरी के अंदर ये माना जाता था कि सिफिलिटिक अल्सर प्लस गोनोरियल डिस्चार्जेस ये दोनों एक ही वेनेरियल इन्फेक्शन से होता है, ये तब कहा जाता था। और ये कौन मानता था, ये उस जमाने के स्कॉटिक सर्जन जो बहुत माने हुए सर्जन थे जॉन हंटर, ये वो भी इस बात को मानते थे। बट इन 1775 से 1843 के बीच में डॉक्टर हनीमैन जब आए, तो वाइल राइटिंग इन फिलाडेल्फिया, हनीमैन ने डॉक्टर हंटर से डिसएग्री किया, और कहीं ना कहीं हनीमैन को यह बात समझ में आई कि भाई ये दोनों जो वेनेरियल इन्फेक्शन है ये दोनों एकदम एक दूसरे से अलग हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग है प्लस इनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी अलग है। ही सेड दैट द नेचर ऑफ दीज टू वेनेरियल मायाजम वेर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ही कॉल्ड दिस गोनोरियल वन, मतलब गोनोरियल वाले को उनने साइकोटिक नाम दिया, साइकोसिस नाम दिया,
आफ्टर द ग्रीक वर्ड फिग एंड फाइनली और अल्टीमेटली 1879 के अंदर एट द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी डॉक्टर एल्बर निसेर कन्फर्म्ड। ये जो निसेरिया, अगर आपको अच्छे से पता हो तो निसेरिया गोनोरिया जो है गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है ये मेडिकली अपने मतलब आज की तारीख में गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म निसेरिया गोनोरिया नाम से उसको नाम दिया गया। और ये जो निसेरिया नाम ये पता है किसके नाम पे दिया था? ये डॉक्टर एल्बर निसेर के नाम पे दिया गया था क्योंकि इनने खोज करी थी उसकी और इनने अल्टीमेटली डॉक्टर हेनीमैन के स्टेटमेंट को बिल्कुल सही साबित करा और इन्होंने अल्टीमेटली बैक्टीरियोलॉजी की गोल्डन एज जब शुरुआत हुई माइक्रोस्कोप सामने आए अच्छी बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जब डेवलपमेंट जिस जमाने में चल रहा था तो डॉक्टर एल्बर निसेर ने कंफर्म कर दिया कि भाई हेनीमैन सही थे। ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया है ये दोनों जो एक सिफिलिस करता है गोनोरिया करता है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से एकदम मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ बोलो तो एकदम अलग है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ी इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री पढ़ ली हमने ना। अब इवोल्यूशन ऑफ साइकोसिस बाय हेनीमैन, अब ये साइकोसिस ये ऐसे कैसे फैल गया लोगों के बीच में, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इन द क्रॉनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहे हैं। एट द इनिशियल टाइम दिस फिगवर डिजीज वेयर देयर इज द सिंपल डिजीज विदाउट एनी और फ्यूअर क्रॉनिक फॉर्म ऑफ फिगवर डिजीज। मतलब थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज ने हेनीमैन ने लिखा है कि भाई जो गोनोरिया या फिगवर डिजीज होता था वो शुरू से इतना खतरनाक नहीं होता था, ये जो डिजीज था शुरू से इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, बट इन द लेटर टाइम स्पेशली ड्यूरिंग 1809 से 14 के बीच में जब फ्रेंच वॉर चल रहा था इट वेरी वाइडली स्प्रेड अमॉन्ग द पॉपुलेशन बट वॉज ट्रीटेड ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द इनएफिशियंट एंड इंजूरियस मैनर विथ सप्रेशन बाय द मर्क्यूरी बिकॉज बोथ आर कंसिडर्ड। अब देखो इनके दिमाग में क्या था कि हेनीमैन ये कह रहे हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ कि शुरू से फिगवर डिजीज इतना खतरनाक नहीं था, इसके बस कुछ ये एक्यूट डिजीज के फॉर्म में पाया जाता था पहली चीज, और दूसरे अगर इसके कुछ क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन थे वो कभी खतरनाक नहीं होते थे। पर फ्रेंच वॉर का जो टाइम था 1809 से 1814 के बीच में ये क्या हुआ, ये बहुत वाइडली स्प्रेड हुआ पॉपुलेशन में, क्योंकि जो फ्रेंच वॉर चल रहा था तो माइग्रेशन चल रहा था लोगों का। अच्छा उसके माने में और कुछ बातें भी होती थी वो मैं अभी थोड़ा बता दूं कि जब वॉर की स्थिति होती है तो एक सामाजिक अराजकता फैलती है, मतलब कहने का मतलब जो कंट्री जीती है वो हारी हुई कंट्री की महिलाओं के साथ शोषण करते थे, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते थे, एंड दैट इज द मेन रीजन कि व्हेन देयर इज द सिचुएशन ऑफ वॉर, तो वॉर मतलब लड़ाई, युद्ध की कंडीशन में सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं रहता और क्रॉस माइग्रेशन की वजह से और इंटर रेकियल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से उस जमाने में कोल्ड वॉर के समय 1809 से 14 के बीच में ये बहुत तेजी से फैलना चालू हुआ, ये अमॉन्ग द पॉपुलेशन फैला। अब क्योंकि तब नोशन क्या था, तब नोशन ये होता था कि सिफिलिटिक सेंकर और अपना गोनोरियल वार्ट ये दोनों सेम मानते थे, तब ये माना जाता था कि दोनों का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सेम है और ये सिफिलिस को ट्रीट करने को कैलोमल यूज करते थे मर्क्यूरी। अगर किसी ने भी डिटेल में कभी मटेरिया मेडिका कोई बड़ी बुक से पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट करा जाता था उस जमाने में, मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी का कुछ ऐसे फॉर्म बनते थे जिससे लोग इलाज करते थे और उससे जब सप्रेशन करा गया मर्क्यूरी एंड बिकॉज आर कंसिडर्ड होमोजीनियस विद द वेनेरियल क्रॉनिक डिजीज बट द इरप्शंस एज वार्ट एंड कंडाइलोमेटा एंड द जेनाइटल्स वर ट्रीटेड इन वायलेंट एक्सटर्नल वे सच एज बर्निंग, सर्जिकल रिमूवल, कॉटराइजेशन, कटिंग एंड लिगेचर। कहने का मतलब है कि जो सिफिलिटिक अल्सर्स थे उनको तो ये कैसे ट्रीट करते थे इंटरनली, ये मर्क्यूरियल सप्लीमेंट देके ऊपर से मर्क्यूरी लगा के, गोनोरियल डिस्चार्ज को भी ये मर्क्यूरी से ही ट्रीट करते थे, ट्रीट क्या करते थे, सप्रेस करते थे। बट जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस होते थे साइकोटिक मायजम के, जो कि वार्ड्स होते थे उनको ये जला देते थे, सर्जिकल रिमूवल कर देते, कॉटराइज कर देते थे, कट कर देते थे और लिगेचर कर देते थे।
तो इस तरह से जो माल ट्रीटमेंट, अब हमने क्या बताया कि जब भी इसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस को बुरी तरह से ट्रीट किया जाएगा तो अल्टीमेटली मायजम जो होगा वो जो डिजीज है वो डिजीज सप्रेस होगी और बॉडी के अंदर सप्रेस होने के बाद, साइकोटिक कैरेक्टर्स के सप्रेस होने के बाद वो अपने आप को एक टाइम बम के रूप में साइकोटिक मायजम में तब्दील हो जाएगी और ये जो मायजम होगा ये और आने वाली 1760 बीमारियों को जन्म देने वाला है ना। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ साइकोसिस, मतलब क्या था सीक्वेंस, साइकोसिस कैसे इवॉल्व होता था। फर्स्ट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, कि भैया किसी को भी गोनोरिया का इन्फेक्शन हो गया। मैं बोलता हूं कोई भी एग्जांपल ले लो कि किसी न किसी गोनोरियल इन्फेक्टेड महिला, उस जमाने में एसटीडी बहुत हुआ करते थे, मतलब वो जो पुराने जमाने की, जबकि हम बात कर रहे हैं 1700, 1600, 1800 की, तब क्या है प्रोटेक्शन नाम की चीज, सेक्सुअल प्रोटेक्शन होता ही नहीं था, सेक्सुअल उतनी लोगों को लिटरेसी भी नहीं थी, तो ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते थे। तो और ये क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में उस जमाने में पाया जाता था, तो ऑब्वियसली इसका इसका जो स्प्रेड होगा, ये बात ऑब्वियस है कि इसका जो स्प्रेड होगा वो कैसे होगा, वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण होगा, है ना। तो ये पहला इसका सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है कि फर्स्ट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, कि जब एक बंदा इन्फेक्ट हुआ, एक पेशेंट इन्फेक्ट हुआ। सेकेंड द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द होल ऑर्गेनिज्म इज बींग पेनिट्रेटेड बाय द डिजीज इन्फ्यूज्ड अंटिल इट हैज डेवलप्ड विद इन अ टाइप ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड, कि जब ये इन्फेक्ट हुआ उस टाइम से सिम्टम्स के आने के बीच में पूरी की पूरी बॉडी जब तक इन्फेक्ट नहीं होती तब तक सिम्टम नहीं आते। और ये जो सेकंड वाला जो पीरियड होता है इसको हम आज की तारीख में बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एंड थर्डली द ब्रेकिंग आउट ऑफ द एक्सटर्नल आइलमेंट वेयर द नेचर एक्सटर्नली डिमॉन्स्ट्रेट द कंप्लीशन ऑफ द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ मायजमेटिक मेलिडी थ्रू आउट द होल ऑर्गेनिज्म। तो ये तीन जो स्टेप्स थी, ये तीन स्टेप जो है बेसिकली वो सीक्वेंस है जिसके थ्रू ये मायजम जो होता है डेवलप होता है। मतलब पहले पेशेंट जो है, सबसे पहले जो है पेशेंट इफेक्ट हुआ, इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्ट होने के बाद जब वो इन्फेक्शन अंदर आया और वो जो बैक्टीरिया है जो कुछ भी अंदर आया है वो एक दूसरे से रिप्लिकेट करके इतनी तादाद में नहीं हो कि एक्सटर्नल सिम्टम आए, तो ये पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। एंड थर्डली ये पूरे उतने समय के अंदर ये अपने आप को बहुत ही प्रगाढ़ रूप से डेवलप करके अल्टीमेटली एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरनल डिस्क्रेशिया इन द फॉर्म ऑफ वार्ट्स, गोनोरियल डिस्चार्ज वगैरह वगैरह में दिखेगा। तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ साइकोसिस, ठीक है ना। अब अगली स्लाइड पे आते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द मायजम अमॉन्ग द पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो देखिए, मैं तीनों की तीनों मायजम का स्प्रेड को मैंने यहां पे कंसीडर करा है, जबकि मैं वीडियो जो है वो वीडियो मैं सिर्फ बना रहा हूं साइकोटिक मायजम के ऊपर, है ना, पर मैंने ट्रांसमिशन के नाम पे मैंने सब कुछ कवर करा है। अब सबसे पहला सोरिक मायजम, ट्रांसमिशन ऑफ द मायजम अमॉन्ग द पॉपुलेशन, है ना। सोरिक मायजम फॉर स्प्रेड टच ऑफ द बॉडी पार्ट्स विद द इंफेक्टेड एरिया इज सफिशियंट, नो इंफेक्शन और हार्ड रब इज नीडेड, अ मेयर जेंटल टच इज इनफ फॉर द स्प्रेड, मींस सोरा इज मोर कंटेजियस इन नेचर। समझिए मेरी बात, सोरिक मायजम का डेवलपमेंट कैसे होता है। सोरिक मायजम के अंदर मैंने आपको बताया था जो कुछ वीडियोस पुराने बनाए थे कि सोरा जो है वो ईच के फॉर्म में होता है, और ईच इतनी ज्यादा कम्युनिकेबल हो गई थी एक जमाने में क्योंकि सोरिक मायजम हर व्यक्ति के अंदर है। इस वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति, मतलब यू कैन नॉट लिव विदाउट मायजम, आपके अंदर एटलीस्ट सोरिक मायजम के गुण होंगे। आप मंगल ग्रह पे भी चले जाओगे धरती को छोड़कर तो सोरा आपके साथ जाने वाला है। तो सोरा कैसे फैला, सोरा इतना कंटेजियस क्यों हुआ, सोरा इतना कंटेजियस इसलिए हुआ कि सोरा के स्प्रेड के लिए सिर्फ मेयर टच काफी है। मतलब किसी को ईचिंग हो रही है, ये ऐसे ही तो फैला अमंग द पॉपुलेशन, ईचिंग हो रही थी, कोई हल्का सा उससे कॉन्टेक्ट में आया तो सोरा जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि फॉर द स्प्रेड ऑफ सोरा टच ऑफ द बॉडी पार्ट विद द इन्फेक्टेड एरिया सफिशियंट, बहुत काफी है, कोई भी फ्रिक्शन या हार्ड रब की जरूरत नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन की जरूरत तो है ही नहीं, आप बस मेयर जेंटल टच कर दो फ्रॉम द फॉर स्प्रेड। और इसलिए बोलते हैं कि सोरा इज मोस्ट कंटेजियस इन नेचर, और यही कारण था
कि सौरभ महाजन पूरी 7.5 अरब जो पॉपुलेशन है उस धरती पे वो सबके अंदर है। वही साइकोटिक एंड सिफिलिटिक मायाजम, देखो अब ये साइकोटिक एंड सिफिलिटिक मायाजम कहां से आए थे, ये वेनेरियल मायाजम है। वेनेरियल मतलब ये जो है जेनाइटल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में पाए जाते थे, मतलब गोनोरिया जो था वो इन द फॉर्म ऑफ जेनाइटेलिया पे फिगवार्ड डिजीज गोनोरियल डिस्चार्ज के रूप में पाया जाता था। वही सिफिलिस भी इसी तरह से वहीं पे सिफिलिटिक अल्सर या शंकर के रूप में पाया जाता था। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि इनके स्प्रेड के लिए फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के पेशेंट के साथ इंटरकोर्स कोई नहीं करता है तब तक उसके अंदर वो बीमारी नहीं आएगी। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इन बोथ ऑफ दीज द प्राइमरीली द सिम्टम्स आर प्रेजेंट ऑन द जेनाइटल्स एंड सो अ गुड डील ऑफ फ्रिक्शन और रब या हार्ड रब इज रिक्वायर्ड, मींस साइकोसिस एंड सिफिलिस आर द लेस कंटेजियस। आप मेरी बात समझे, आपको आई समझ में, क्योंकि सोरा स्किन पर पाया जाता था तो मेयर टच से फैल जाता था इसलिए ज्यादा कंटेजियस है। बट साइकोटिक और सिफिलिटिक मायाजम के लिए हार्ड रब जरूरी है। वो हार्ड रब कहां से आएगा कि इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ जब तक कोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है तब तक उस व्यक्ति को वो मायाजम नहीं पकड़ेगा। और इसलिए सिफिलिटिक और साइकोटिक मायाजम आर अ बिट लेस कंटेजियस है, और लेस कंटेजियस होने के साथ साथ उनको एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए उस जमाने में बहुत हार्ड और रब और हार्ड फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती थी। तो दोस्तों हमने ये चीज समझी ट्रांसमिशन किस तरह से हुआ। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे आते हैं कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोसिस इन डेवलपिंग द क्रॉनिक डिजीज। देखिए 60/8 ऑफ ऑल द डिजीजेस आर ड्यू टू द सोरिक मायाजम। समझिए कि 8 बीमारियों में से जो 7 बीमारियां होती हैं वो सोरा के कारण है, और वो जो बची हुई एक बीमारी है ना दैट इज ड्यू टू द साइकोटिक मायाजम। दिस इज द कंट्रीब्यूशन, मतलब 1/8 ऑफ ऑल द डिजीजेस विच आर राइट नाउ प्रिवेलिंग अमॉन्ग द पॉपुलेशन, ठीक है ना, वो सारे डिजीजेस क्या है वो साइकोटिक ओरिजिन की है। मतलब 7/8 जितनी बीमारियां हैं वो सोरा की वजह से हैं, और 1/8 ऑफ ऑल द डिजीजेस आर ड्यू टू द साइकोटिक कॉज साइकोटिक मायाजम। अब सोर्सेस ऑफ साइकोटिक मायाजम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा कि भाई अमोंग द पॉपुलेशन में उस जमाने में जब ये साइकोटिक गोनोरिया के रूप में, मतलब साइकोटिक नहीं सिर्फ एक छोटी सी गोनोरिया जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी के रूप में इसने अपने आप को पहली बार मानव जाति के अंदर बताया, तो ये वहां से इतना आगे कैसे आ गया कि आज की तारीख में हम बोल रहे हैं कि सबसे खतरनाक मायाजम है, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, और आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं वो साइकोटिक हैं। ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था। अब इसका क्या कारण है, इसका ऐसा क्या कारण है कि भाई ये इतना कैसे फैला? तो सोर्स ऑफ साइकोटिसिस मायाजम, पहला सोर्स फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वेनेरियल डिजीज एज गोनोरिया एंड सिफिलिस बाय द इम्प्योर कोशन एंड इट्स नॉन होम्योपैथिक सप्रेसिव ट्रीटमेंट। तो पहला साइकोसिस कहां से आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वेनेरियल डिजीज किसी को लगा मान लो गोनोरिया के रूप में, और उसका नॉन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब करा जाएगा, नॉन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, मर्क्यूरी से ट्रीटमेंट, उसका सप्रेशन, फिगवार्ड जो अल्सर वार्ड्स हो रहे हैं, अल्सर नहीं सॉरी वार्ड्स हो रहे हैं, उन वार्ड्स को कॉटराइजेशन कर देना, उसको लिगेचर कर देना, जला देना, तो ये सब जो मतलब पहला कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करके बीमारी को लेना, तो तब सिर्फ आप गोनोरिया के पेशेंट हो गए, तब आप साइकोटिक मायाजम नहीं आएगा आप में। बट जब उसका आपका शॉर्टकट से ट्रीटमेंट करा जाएगा, उसके मैनिफेस्टेशन को सप्रेस करा जाएगा, तब जाके उसके सप्रेशन के बाद आपके अंदर साइकोटिक मायाजम के कैरेक्टर्स पैदा होंगे, ठीक है। दूसरा बी सप्रेस्ड गोनोरिया, सी एनिमल पॉइजन एज स्नेक बाइट्स एंड डॉग बाइट्स, आप हमेशा याद रखो ये कहीं ना कहीं साइकोटिक मायाजम को पैदा कर सकती है एक्यूटली एक आदमी में,
कुत्ता काट जाता है, रेबिस, ये रेबिस से संबंधित रखता है साइकोटिक मायाजम। बैड इफेक्ट ऑफ डाइसेक्टिंग वाउंड, कई लोगों को डाइसेक्टिंग वाउंड हो जाते हैं, बड़े घाव हो जाते हैं रोड साइड एक्सीडेंट में, कई बार वो उन घाव के बाद, उनके घावों के वजह से लोगों को, अब ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, ये डाटा मैंने बहुत जगह से निकाला, बहुत मेहनत लगी, पर ये मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला। अब ये इतना मिल गया बहुत है, इसके पीछे का मैं कहानी नहीं जानता कि हाउ अ डाइसेक्टिंग वाउंड कैन इंड्यूस द साइकोटिक कैरेक्टर इन अ पेशेंट। ओके, फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि थूजा बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ना, कि वैक्सीनेशन। अब आगे पॉइंट आएगा इसका कि साइकोटिक मायाजम को जब अपन और डिटेल में समझेंगे तो ये पॉइंट आगे अपन समझेंगे। प्रोलॉन्ग सफरिंग फ्रॉम द एक्यूट मायाजम लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, टाइफाइड एटसेट्रा। ओके, तो ये है। एंड वाइफ फ्रॉम द हस्बैंड एंड वाइफ वर्सा, एक हस्बैंड से वाइफ को हो सकता है और वाइफ से हस्बैंड को हो सकता है। टू द चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन थ्रू पेशेंट्स, ठीक है ना, मतलब जो ये बच्चों को जा सकता है पेरेंट्स के थ्रू, सॉरी पेरेंट्स के थ्रू ये बच्चों को जा सकता है, थोड़ी सी यहां पे मिस्टेक हुई है ना। तो ये हमने समझे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ साइकोटिक मायाजम, ठीक है ना, ये हमने डिटेल में समझा व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ साइकोटिक मायाजम। हम आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो अलग 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 जो मतलब पाइनियर्स हैं होम्योपैथी में, कि जब साइकोटिक मायाजम क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है होम्योपैथी में, 16 के बाद सबसे बड़ा टॉपिक है ना, तो ये अलग अलग पाइनियर्स ने इसके बारे में क्या बात करी, अब हमको ये समझना है, ठीक है ना, कि डिफरेंट पाइनियर्स का क्या व्यू था साइकोटिक मायाजम से। अब जब हम पहला जो व्यू देखेंगे वो फॉन ग्रवागल ऑन द साइकोसिस, ये ग्रवागल वही है कॉन्स्टिट्यूशन वाले है ना, ही क्लासिफाइड द थ्री मायाजम इंटू द थ्री कॉन्स्टिट्यूशन टोल्ड बाय हिम, मतलब इनने क्या करा था ग्रवागल ने कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे। आप में से सबको पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है होम्योपैथिक में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेडिसिन, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फादर है, कॉन्स्टिट्यूशन बताने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था फॉन ग्रवागल। तो ग्रवागल ने कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे, तो जो ग्रवागल के तीन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली तीन मायाजम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 16 जो है दैट इज कार्बोनाइट्रोजेनाइट, जो ग्रवागल का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज 16, हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर साइकोसिस एंड ऑक्सीजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर सिफिलिस, ठीक है ना। ये तो ये ग्रवागल का एक्सप्लेनेशन, ही सेज, क्या बोलते हैं ग्रवागल, दैट द गोनोरियल पॉइजन कॉजेज इन ऑर्गेनिज्म सम स्पेशल डैमेज इन द हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन, टुडे वी कॉल द अटोनी ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। When someone has this type of constitution, मतलब ये साइकोसिस की बात कर रहा हूं अकेला, यहां पे वो साइकोसिस के लिए क्या बोल रहे हैं कि किसी का अगर हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कहने का मतलब when someone has this type of constitution, his ground is marvelously suitable for the gonorrheal infection. मतलब अगर मेरे inherited में अगर हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट हो, तो जो मेरा ग्राउंड मतलब मेरी बॉडी जो है वो गोनोरियल इंफेक्शन के लिए खासी अच्छी खासी डिस्पोज्ड होगी। एंड वंस ही कम इनटू द कॉन्टेक्ट विद दिस इंफेक्शन, ही इज मोर प्रोन टू डेवलप साइकोटिक कंडीशन देन एनीवन एल्स। ये बोलते हैं ग्रवागल सिर्फ किसके बारे में, साइकोसिस के बारे में। ग्रवागल के हिसाब से साइकोसिस इज हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कोई व्यक्ति का हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो गोनोरियल इंफेक्शन के प्रति ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होगा, और जब भी वो उसके संपर्क में आएगा तो एक हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन उस इंफेक्शन को तुरंत रिस्पॉन्स देगा, एकदम से तुरंत उसका वायलेंटली रिस्पॉन्स देगा देन एनी अदर टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर मान लो तीन व्यक्ति है और वो तीन व्यक्ति एक महिला से इंटरकोर्स करते हैं, महिला गोनोरियल है, तो जो साइकोटिक कैरेक्टर वाला बंदा होगा ना, वो ज्यादा प्रीडिस्पोज होगा उससे बीमार होने में, उससे वो एसटीडी को कैच करने में, साइकोसिस डेवलप करने में, कंपेयर टू द अदर टू पर्सन। तो यहां पर यह बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमने समझा कि फॉन ग्रवागल क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अब आ जाते हैं हम डॉक्टर जे सी बर्नेट, हर कोई जानता है इनका नाम, बहुत माने हुए डॉक्टर, बहुत माने हुए पायनियर होंगे। ही सेज दैट द रिपीटेड एंटीपॉक्स वैक्सीनेशन,
क्रिएट सच अ कंडीशन विच इज वेरी मच ऑफ अ काइंड ऑफ द साइकोसिस इन हिज बुक. उनने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर, जिसका नाम था वैक्सीनोसिस एंड इट्स क्योर बाय थूजा. तो ही सेज दैट द रिपीटेड एंटी पॉक्स वैक्सीनेशन, मतलब कोई भी एक महामारी के लिए जब रिपीटेड वैक्सीनेशन होता है, तो उनका मानना था कि इसी वजह से लोगों के अंदर साइकोटिक कैरेक्टर डेवलप होते हैं. और ये उनने कहां लिखा था, ये उनने लिखा था वैक्सीनोसिस एंड इट्स क्योर बाय थूजा. ही कॉल्ड दिस कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते थे वैक्सीनोसिस. अब आप जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट का एक री गेम है. एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो बड़े होते तक उसको वैक्सीनेशन 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 करते हैं उसका, ठीक है ना. दूसरी चीज, हमारे समाज में बहुत फ्रिक्वेंटली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, क्योंकि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो डेफिनेटली वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करेंगे, और अगर कोई और रिलेशन में रह के कर रहे हैं तो वो लोग भी करेंगे. तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए, अभी मैं आगे वीडियो में एक चीज क्लियर करूंगा कि साइकोसिस इतना ज्यादा किस तरह से हम लोगों के अंदर व्याप्त हुआ. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक हमारे यहाँ छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको 12 साल तक वैक्सीनेशन लगते रहते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर वर्नेट इसको ये बोलते हैं कि इस पद्धति को, इस प्रोसीजर को, कि जिसमें कोई एक महामारी के लिए वैक्सीन होता जाए, वैक्सीन होता जाए, होता जाए, होता जाए, वैक्सीन हम लगाते जाए, इस चीज को उन्होंने बोला है वैक्सीनोसिस. और उनका यह मानना था कि जो वैक्सीनोसिस है, वो वैक्सीनोसिस कहीं ना कहीं साइकोटिक कैरेक्टर को डेवलप करता है, और यही वजह था कि कॉज ऑफ साइकोसिस मायोजन में पिछली स्लाइड में हमने क्या एक चीज देखी थी कि वैक्सीनेशन की वजह से, जहां पे मैंने आपको बोला था कि ये वैक्सीनेशन वाला पॉइंट आपको आगे क्लियर होगा, ठीक है ना. तो ये है, तो ही कॉल्ड हिज वैक्सीनोसिस. देयरफॉर वी नो दैट द साइकोसिस हैज अ वेरी इंटीमेट रिलेशन विद द वैक्सीनेशन एंड द इल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन इन पेशेंट ऑफ साइकोटिक हेरिटेज. तो बस ये यहाँ पे इतना पॉइंट था. अब अपन आते हैं अगले वाले पॉइंट पे. अगला वाला पॉइंट जो है वो ये है कि डॉक्टर हर्टबर्ट एल्फ्रेड रॉबर्ट ऑन साइकोसिस. ये क्या बोलते हैं डॉक्टर हर्टबर्ट एल्फ्रेड रॉबर्ट? डॉक्टर हर्टबर्ट एल्फ्रेड रॉबर्ट ये बोलते हैं कि देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द गोनोरिया एंड साइकोसिस. ये बहुत प्यारी बात बोली है इनने, बहुत प्यारी बात बोली है, ठीक है. आप ध्यान से सुनिएगा कि देयर इज द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द गोनोरिया एंड साइकोसिस. गोनोरिया इज अ एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ गोनोकोकाई, है ना. इफ इन गोनोरिया व्हेन द एक्यूट इन्फेक्शन इज ड्रिवन इन अपॉन द वाइटल फोर्स बाय द एक्सटर्नल मेथड ऑफ सप्रेशन, इट देन बिकम द साइको इट देन बिकम द सिस्टेमिक स्टिग्मा परमिएटिंग एवरी लिविंग सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसमिटिंग इट्स डेडली डिस्ट्रक्टिव फोर्स टू द ऑफ स्प्रिंग एल वेल एज द रिटेनिंग द फुल डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ इट्स पावर इन द ओरिजिनल इंडिविजुअल एंड ऑल्सो इम्प्रेगनेटिंग द मदर ऑफ द चाइल्ड. ये कहना चाहते हैं आप. देखो सबसे पहले तो इसको पॉज करके पढ़ लेना हर एक स्लाइड को, बहुत, क्योंकि बहुत बड़े पायनियर्स के स्टेटमेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट. ये सब फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है ना. ये कह रहे हैं कि गोनोरिया में माइजमेटिक साइकोटिक माइजम में फर्क होता है कि अगर जिस बंदे को गोनोरिया होता है और उसका रेशनली इलाज कराया जाए, उसको रेशनली ट्रीट करा जाए, तो वो गोनोरिया खत्म हो जाएगा. तो ये होता है गोनोरिया. बट जब इसी बंदे का ट्रीटमेंट गलत करा जाए, उसको एक्सटर्नल सप्रेसिव थेरेपी, सप्रेसिव एंड शॉर्टकट थेरेपी से उसको दबाया जाए, तो फिर क्या होगा कि जो बीमारी है ना, वो अंदर जाके एक बड़ा रूप लेगी और फिर वो वहां पे जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन तब के लिए है ना. एंड इट बिकम द सिस्टेमिक स्टिग्मा. सिस्टेमिक स्टिग्मा मतलब एक बड़ी चीज, बीमारी से बड़ी चीज बन जाएगी जो कि परमिएट करेगी एवरी लिविंग सेल, उस ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल के अंदर ये घुस जाएगी एंड ट्रांसमिटिंग इट्स डेडली डिस्ट्रक्टिव फोर्स टू द ऑफ स्प्रिंग. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस आदमी को इन द फॉर्म ऑफ साइकोटिक माइजम ही अफेक्ट करेगा, नहीं, ये इतनी ज्यादा उससे क्लब हो जाएगी, उसके जेनेटिक कोड से जुड़ जाएगी कि जब ये आदमी इंटरकोर्स की प्रक्रिया से अपने बच्चे जनेगा ना, तो वो उन बच्चों के अंदर तक ये जाएगी. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गोनोरिया एंड साइकोसिस, ठीक है ना. तो ये बड़ा, मतलब एक अच्छा स्टेटमेंट है ये.
ठीक है ना। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट भैया, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो हवाबाजी नहीं है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मायाजम की पूरी हिस्ट्री क्या है, तभी आप समझ पाओगे, है ना। मैं सीधे कैरेक्टरिस्टिक गिनाने लगूंगा तो सबके सबके पागल हो जाओगे इसमें। अब साइन एंड सिम्टम ऑफ द साइकोटिक मायाजम, ये जनरल साइन एंड सिम्टम है। मैं साइन एंड सिम्टम ऑफ साइकोटिक मायाजम जब भी मैं बात करूंगा तो वहां पे जनरल की अलग बात करूंगा और पर्टिकुलर्स की अलग बात करूंगा, है ना। अब आप में से ज्यादातर लोगों ने अगर स्टडी करी होगी, तो जितने मेरे पढ़े लिखे व्यूअर्स होंगे होम्योपैथी के अंदर, जिनको ज्ञान होगा, जो लिटरेट होंगे, वो इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है एज अ होम्योपैथी के स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दिमाग में रखें, और फिर जब भी कोशिश करेंगे मायाजम को पढ़ने की, खासकर साइकोसिस को, तो आपको मेरी ही सारी बातें हर जगह लिखी मिलेंगी, क्योंकि ये वीडियो को मैंने इतना मेहनत से और कंप्लीट करके बनाया, ठीक है ना। अब आ जाइए साइन एंड सिम्टम ऑफ द साइकोटिक मायाजम जनरल, ठीक है ना, जनरल सिम्टम। साइकोसिस इज द मायाजम ऑफ एक्सेस, ये मैं बता चुका हूं। एक्सेस, जो एक्सेस है, इज द मेन थीम फॉर द साइकोटिक मायाजम। ये मायाजम ऑफ साइकोसिस मायाजम का, हर एक मायाजम का थीम चलता है। जैसे आप अगर सोरा की तो मैं बात नहीं करूंगा, आप बिना पढ़ाए आप सिफिलिटिक के बारे में जानते हो कि सिफिलिटिक को डिस्ट्रक्शन से जोड़ा गया, सिफिलिटिक पेशेंट सुसाइड कर लेता है ना। सिफिलिटिक जो मायाजम होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस के ऊपर इंडिकेटेड है, कि जब डिस्ट्रक्शन होता है बोन के अंदर, सेल्स के अंदर, वही डिस्ट्रक्शन उस पेशेंट के माइंड पे रहता है, तो वो खुद को मारने की कोशिश करता है, सुसाइड कंडक्ट करता है, या वो होमिसाइडल बन जाता है लोगों को। मतलब ये डिस्ट्रक्शन जो है ना, ये डिस्ट्रक्शन थीम चल रहा है। तो हर एक मायाजम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हम उसके साथ चलने वाले थीम को अच्छे से समझे। जब हम थीम समझ जाएंगे तो हम मायाजम अपने आप समझ जाएंगे। तो जैसा डिस्ट्रक्शन जो थीम है, मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है या कम नॉलेज है, वो कम से कम इतना जानते हैं कि सिफिलिटिक मायाजम और डिस्ट्रक्शन के बीच में बड़ा रिलेशन है, तो इसलिए मैंने वो एक एग्जाम्पल दिया। तो उसी तरह से साइकोटिक मायाजम का जो थीम, मेन थीम है इसका, एक्सेस है। साइकोसिस इज द मोस्ट इंसिडियस एंड डेंजरस मायाजम। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से वीडियो को अपन ने मायाजम को सबसे पहले साइकोसिस को लिया, कि साइकोसिस इज द मोस्ट इंसिडियस, मतलब स्लोली स्लो पेस पे काम करने वाला और सबसे ज्यादा डेंजरस मायाजम है। एनीमिया इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोटिक मायाजम। इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ एनी पार्ट, हमेशा याद रखना, ओवरग्रोथ की बात करी है मैंने, और यहां पे इंफ्लामेशन की भी बात कर रहा हूं। इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ एनी पार्ट, ओवरग्रोथ ऑफ द टिश्यू, यहां पे भी एक्सेस ब्रैकेट में, इसलिए क्योंकि इसका थीम एक्सेस है। किस तरह की ओवरग्रोथ? एज अ वार्ट ऑन द स्किन, जिस तरह से वार्ट होता है स्किन के ऊपर। डिपॉजिट इन द ज्वाइंट, डिपॉजिट मतलब गाउटी डिपॉजिट इन द ज्वाइंट, अच्छे से याद रख लो बहुत अच्छे से, कि गाउट इज द साइकोटिक कैरेक्टरिस्टिक। गाउटी जो होता है ना, गाउट का डिजीज, गठिया की बीमारी, दैट इज द साइकोटिक कैरेक्टर। उसका सोरा सिफिलिटिक से कोई लेना देना नहीं है, जो गाउट होता है वो साइकोटिक होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। थिकनिंग ऑफ स्किन, जैसे कि चमड़ी मोटी होती है कई स्किन डिजीजेस के अंदर, ठीक है ना। इन थिकनिंग ऑफ नेल्स, भाई एक्जिमा सोराइसिस साइकोटिक है, इसलिए तो घंटा से ही नहीं होता, सोरिक मेडिसिन से, है ना। तो ये अब हमने एक थीम की बात करी कि ये क्या क्या साइंस एंड सिम्टम ऑन जनरल है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, अपन इसी का अगली स्लाइड, इसी का कंटिन्यूएशन है। सडन ऑनसेट ऑफ एनी सीवियर डिजीज, आपने देखा होगा कई लोगों को ऐसी सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर डिजीज हो जाता है। ये क्यों होता है? साइकोटिक कैरेक्टर है, इसलिए इतना खतरनाक है मायाजम। तो एकदम लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, चकाचक सब कुछ चल रहा था, पता चला एकदम से ब्रेन स्ट्रोक आ गया, एकदम से MI आ गया। तो सडन ऑनसेट ऑफ एनी डिजीज, साइकोटिक कैरेक्टर, हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन विद द एग्रेवेशन इन द ह्यूमिड कोल्ड वेट डेम्प रेनी वेदर, ये इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, ये साइकोटिक कैरेक्टर है। स्वेलिंग इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बोथ इडिमा एंड अनासार का, जब भी ये स्वेलिंग वेलिंग वाले पेशेंट आते हैं किडनी फेल होके, साइकोटिक कैरेक्टर। जो स्वेलिंग के अंदर इडिमा, ड्रॉप्सी और अनासार का होता है, दैट इज अ साइकोटिक कैरेक्टर, ठीक है। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट इज द हॉलमार्क ऑफ द साइकोसिस इन द मेल, आपको पता है ये जो
बीएचपी बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट जो होती है जनरली ओल्ड एज में मिड एज में, ये साइकोटिक कैरेक्टर है, ये साइकोटिक मायसम होता है, ये जो मेल्स होते हैं इनका लाइपोमास अंडर द स्किन साइकोटिक, ये जो लाइपोमास के केसेस होते हैं साइकोटिक है, अपेंडिसाइटिस साइकोसिस का कैरेक्टर है, स्लोअर रिकवरी फ्रॉम एनी एक्यूट डिजीज ड्यू टू द स्लगेज डिफेंस मैकेनिज्म, कहने का मतलब कोई भी एक एक्यूट डिजीज जब होता है उससे जो स्लगिश रिकवरी होती है ये भी साइकोटिक कैरेक्टर है, एग्रेवेशन इन कोल्ड डैम्प और एनी वेदर, ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये स्लाइड को आप लोग भगवान के लिए इन सब चीजों को आप कहीं नोट डाउन करके नोट्स बना लेंगे, उसके बाद अगर आप इसको एक बार रिव्यू करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, या फिर वीडियो यूट्यूब पे जितनी बार चाहो रिवर्स करो, बार 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 पलट पलट के चलाओ, और खासकर ये कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉइंट से सब नोट डाउन करके अपने नोट्स बना लो और उसके बाद बैठ के पढ़ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि साइकोटिक मायसम क्या होता है। एग्रेवेशन इन द कोल्ड डैम्प रेनी वेदर रिएक्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विथ लॉन्ग पॉज बिटवीन द एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विथ लॉन्ग पॉज बिटवीन द एक्शन एंड रिएक्शन, ये साइकोटिक पेशेंट का माइंड में भी यही होता है कि इसकी बॉडी क्या होती है कि जब एक्शन हुआ कहीं से तो उसके लिए रिएक्शन देने में एक पॉज होता है लंबा, और उस पॉज के कारण ये जो पेशेंट होता है ये ही इज डिस्पोज टू द मेनी डिजीज, कहने का मतलब मैं रिएक्शन में जितना टाइम लगाऊंगा वो रिएक्शन जितना मैं लेट करूंगा मेरे मरने के चांसेस उतने हैं, और यही दिक्कत है साइकोटिक पेशेंट के साथ कि ही रिएक्ट हिज बॉडी रिएक्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विथ लॉन्ग पॉजेस बिटवीन द एक्शन एंड रिएक्शन, रिएक्ट इन अ वे विच इज हार्मफुल टू हिमसेल्फ, जब भी आप लेट रिएक्ट करोगे ना आप इस तरह से रिएक्ट करोगे कि आपको ही घाटा होगा, यही करता है ये पेशेंट अपने माइंड में कि जब मेंटल वर्क, क्योंकि रिएक्ट बॉडी भी करती है माइंड भी करता है, किसी ने मेरे को मारा मैं रिएक्ट करूंगा, ये मेरा मेंटल प्लस फिजिकल दोनों रिएक्शन है, तो पहली चीज तो साइकोटिक शरीर साइकोटिक पेशेंट की बॉडी एक्शन होने पर रिएक्शन के लिए बहुत समय लेती है और रिएक्ट लेट करती है, और अगर रिएक्ट करती भी है तो वो रिएक्शन इज इन द सच डायरेक्शन कि वो उसको नुकसान होगा, ये देखिए आप यही कहना चाहते हैं रिएक्ट इन द वे विच इज हार्मफुल टू हिमसेल्फ, समटाइम नो रिएक्शन एट ऑल, कई बार रिएक्ट ही नहीं करती इसकी बॉडी, ठीक है, अल्टीमेटली जो नॉक्सियस फोर्स होता था चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो इसको मार जाएगा, फाइब्रिनस चेंजेस इन द टिश्यू, मैंने क्या बात करी थी मायसम ऑफ एक्सेस है, तो ये एक्सेस का मायसम होने के कारण फाइब्रिनस चेंजेस होंगे टिश्यूज के अंदर, चेंज इन सॉफ्ट टिश्यू इन द वेरियस ऑर्गन सच एज द यूटेरस किडनी लीवर लंग्स एक्सेट्रा, जो फाइब्रिनस चेंज होता है इन द पेरेनकाइमल ऑर्गन, पेरेनकाइमल ऑर्गन मतलब कोई भी ऑर्गन का मेन सेल जो काम करने वाला सेल होता है उसको हम बोलते हैं पेरेनकाइमल सेल, तो वही पेरेनकाइमल सेल्स ऑफ ऑर्गन के अंदर जब चेंजेस होते हैं सॉफ्ट टिश्यू में दैट इज द साइकोटिक डिजीज, चेंजेस इन सॉफ्ट टिश्यू इन वेरियस ऑर्गन सच एज यूटेरस किडनी लंग्स एटसेट्रा, ठीक है, एम्यूलरेशन बाय द अननेचुरल डिस्चार्जेस विच इज ग्रीनिश येल्लो इन कलर, ये हमेशा याद रखना, अननेचुरल डिस्चार्जेस से साइकोटिक पेशेंट को आराम मिलता है, एकदम अननेचुरल डिस्चार्जेस जो होंगे उससे इसके फिजिकल जो जनरल सिम्टम्स के अंदर एम्यूलरेशन होगा, सोरनेस ऑफ द फिट दिस इज येट अनादर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइकोटिक कैरेक्टर, है ना, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, अब यहां पे भैया ये साइन एंड सिम्टम ऑफ द साइकोसिक मायसम कंटिन्यू हो रहे हैं, एनाटॉमिकल एबनॉर्मिलिटीज सच एज द सिंगल सिक्स फिंगर एंड टोस, भाई ये साइकोटिक कैरेक्टर है समझो, ऋतिक रोशन छह उंगली, ये जो है ना समझ रहे हो ना, ये जो एक्सेस बॉडी पार्ट बनते हैं ना कि किसी की छह उंगली है, किसी के पैर में एक एक्स्ट्रा अंगूठा है, ये जो बैल निकलते हैं ना वो जो पैसा मांगने आते हैं साधु संत, वो बैल के पीछे से पीठ पे से पैर निकल रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये साइकोटिक कैरेक्टर है, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज आर कंसीडर्ड अंडर द साइकोटिक कैरेक्टर, साइकोटिक कैरेक्टर में आता है, एक और एक एग्जाम्पल भैया जुड़वा बच्चे हो ना, दो बच्चे साइकोटिक कैरेक्टर, किसी को ट्विंस पैदा हो रहे हैं एक्सेस, ठीक है ना, एनी बर्थ डिफेक्ट है ना, फुट इज एन ट्विस्टेड आउट और आउट ऑफ शेप, ठीक है, या फिर पोजिशन, कोई भी प्रकार का एनाटॉमिकल बर्थ इफेक्ट,
कि पैर आड़ा टेढ़ा हो रहा है, आउट ऑफ शेप है, ये सब साइकोटिक कैरेक्टर, ये इनहेरिटेड साइकोटिक है। क्यों? क्योंकि वो जो माँ जिसने इस बच्चे को जन्म दिया, जिसकी एक्स्ट्रा उंगली है या फिर जिसकी एक्स्ट्रा मतलब कोई ऑर्गन है या फिर वो एनाटॉमिकली एबनॉर्मल ऑर्गन है, तो ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं साइकोटिक मायजम का मैनिफेस्टेशन। क्यों? क्योंकि वो मां जिसने इस बच्चे को पाला है पेट के अंदर, मतलब 9 महीने सहेजा है, वो साइकोटिक थी, इसलिए ये ऐसा पैदा हुआ। ठीक है ना? डिजीज विथ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन, मैंने क्या बोला, सबसे खतरनाक मायजम है डिजीज विथ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन। ऐसी डिजीज जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत लंबा है और उस इन्फ्लेमेशन के लंबे होने के कारण जो फाइब्रिनस डिपॉजिट की जो हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइडों के अंदर, वो इसी वजह से है क्योंकि इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है ना। कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू द रिमेटिव रिमेटिक अफेक्शन, मैंने आपको बताया गाउट, रिमेटिज्म, ये सब कुछ साइकोटिक होता है। और वहीं पे जो मैं आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि जो ज्वाइंट्स होते हैं वो आड़े टेढ़े होने लगते हैं, दिस इज द साइकोटिक कैरेक्टर, ये साइकोटिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब आएंगे हम अगले उस पे, डिस्ट्रक्शन एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ द कार्डियक वाल्व। भाई रूमेटिक हार्ट डिजीज साइकोटिक कैरेक्टर, क्योंकि आरएचडी आता कहां से भैया, जब जोड़ के अंदर रूमेटिज्म है तो वो हमने क्या बोला कि गाउट, गठिया, गाउट मेटास्टेसिस करता है ज्वाइंट से हार्ट की तरफ। तो अगर गाउट जो है वो रूमेटिक कैरेक्टर, जो गाउट है, खासकर गाउट की बात करूंगा मैं, क्योंकि गाउट ही मेटास्टेसिस होता है हार्ट पे इन द फॉर्म ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये दोनों के दोनों बीमारियां भाई साइकोटिक हैं। और यहां पे एक और चीज है, हर्ष मोहन की पैथोलॉजी की बुक के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज खोल लेना, और उसके अंदर जब ट्रांसेक्शन ऑफ हार्ट पढ़ना, जब पोस्टमार्टम करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट का, तो उसकी हार्ट की इंटरनल लाइनिंग के ऊपर वार्टी वेजिटेशन बताए हैं। वेजिटेशन मतलब वार्ट लाइक वेजिटेशन, और वो भी एक कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ एनोलॉजी से आप समझ सकते हो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज विद द वॉल्वुलर डिसऑर्डर, वॉल्व जो खराब होते हैं, दैट इज द साइकोटिक डिजीज, साइकोटिक कैरेक्टर। एनी डिजीज हैविंग द टेंडेंसी टू द सडन डेथ, कोई भी बीमारी जिसके अंदर खटाक से मौत होने की आशंका हो, इसलिए वो साइकोटिक नेचर की होगी। ठीक है ना, खतरनाक बीमारी जिसके अंदर एकदम से पट्टे से मरीज मरने की आशंका हो, दैट इज साइकोटिक इन नेचर। ल्यूकोरिया स्मेलिंग लाइक द फिश ब्राइन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोटिक कैरेक्टर है, आपको रिपर्टरी के अंदर 50 जगह आपको ये सिम्टम मिलेगा, ये सब साइकोटिक है। साइन एंड सिम्टम ऑफ साइकोटिक मायजम इन जनरल कंटिन्यूएशन, ट्विंस चाइल्ड इन द ब्लड रिलेशन, किसी के भी ब्लड रिलेशन में, सगे रिश्तेदार की बात कर रहा हूं, ब्लड रिलेशन में, है ना। ब्लड रिलेशन कितने से हो सकता है, जैसे मेरे माता पिता में, मेरा भाई मेरे बच्चे, मतलब उसके भाई के बच्चे, तो मतलब मेरे डायरेक्ट तो ब्लड रिलेशन हो सकता है। तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में होंगे सगे भाई बहन और कजन्स, इनकी बात हो रही है। इनके अंदर किसी भी डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के रिश्तेदार के अंदर या खुद के घर में जुड़वा बच्चे होना, दिस इज द साइकोटिक मायजम। ठीक है ना, एक साइकोटिक कैरेक्टर। एनेमिया अपेंडिसाइटिस पहले भी बता चुका हूं, डिजीजेस ऑफ द जेनाइटेलिया एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सच एज सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, यूरेथ्राइटिस, सेल्पेंजाइटिस, ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये सारे के सारे डिजीजेस, खासकर जो महिलाओं के हैं, ये सारे साइकोटिक होते हैं। एक बार और लिस्ट पढ़ रहा हूं, ढंग से सुन लेना। डिजीजेस ऑफ जेनाइटेलिया एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सच एज सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट का बढ़ जाना, यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन, पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सेल्पेंजाइटिस मतलब फिलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन, और ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब, और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी, ये भी साइकोटिक कैरेक्टर्स हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, ग्लीट मतलब जो लोगों को धात जाती है, गोनोरिया एंड सिफिलिस एटसेट्रा, ये सारे के सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स है ना। वेरी स्लो रिकवरी फ्रॉम एक्यूट डिजीज, ये इस पॉइंट पहले भी आ चुका हूं, समझा चुका हूं। इनकोऑर्डिनेशन, दिस में भी द एनाटॉमिकल और फंक्शनल, किसी भी तरह का इनकोऑर्डिनेशन, या तो वो इनकोऑर्डिनेशन फंक्शनल हो या एनाटॉमिकल हो, वो साइकोटिक डिजीज में आता है। ठीक है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द ऑटो इम्यून डिजीज, भाई इसलिए तो सही नहीं हो पाते लोग,
ये जितने भी ज्वाइंट खत्म होते हैं लोगों के, एक अच्छा, चलो मैं ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको, ढंग से समझना कि जो प्रोस्टेट बढ़ता है तो वहां पे बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन देखते हैं अपन। ये कहता है ना डॉक्टर कि आपका एंटीजन बढ़ गया, मतलब आपका प्रोस्टेट जो है वो कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिजीज है। एक और एग्जाम्पल, एक्जिमा एंड सोराइसिस, ये दोनों ऑटो इम्यून डिजीज है। जो एक्जिमा और सोराइसिस के लीशन बनते हैं ना, वो हमारा बॉडी खुद बनाती है। ये जो ज्वाइंट चले जाते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का टेस्ट होता है कि आपके जोड़ जो है, आपके जोड़ क्यों खत्म हो रहे हैं। डॉक्टर से पूछता है पेशेंट सवाल, बोले डॉक्टर साहब मेरे घुटने क्यों खराब होते जा रहे हैं, तो वो रिपोर्ट पकड़ा देता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, मतलब मेरी बॉडी ने खुद ही मेरे ज्वाइंट के सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बना के रखी है। तो ये सारे डिजीज कौन से, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज है इसलिए ये सारे साइकोटिक हैं इन कैरेक्टर, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन में। यहाँ पे आ गए ऑटो इम्यून डिजीज, पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीज, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, डिजीजेस एसोसिएटेड विद द प्रोलिफरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू। याद रखना हमने क्या बोला था कि ये इसका इन्फ्लेमेशन लंबा होता है। साइकोटिक पेशेंट का बीमारी कैसी होगी कि जो सडनली एकदम ऑनसेट ऑफ डिजीज होगी, वो जो डिजीज है एसोसिएटेड भी होगी, एसोसिएटेड होगी विद द प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन, उसकी इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस बहुत लंबी होगी। और क्योंकि इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस लंबी है, दैट इज वाई डिजीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोलिफरेशन, मतलब एक्सेस टिश्यू एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है ना, यहां पे ये बात हो रही है। तो ये मेरे ख्याल में आप समझ चुके हैं। अब आगे जाते हैं, अब अगला जो पॉइंट है वो भैया सेम है, 20वीं स्लाइड में भी ये सिम्टम्स कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, साइन एंड सिम्टम। रूमेटिक डायथिसिस इज द साइकोटिक डिजीज, जो रूमेटिक डायथिसिस होता है ना, जो पेशेंट जो गठिया के पेशेंट होते हैं, यूरेमिक रूमेटिक डायथिसिस, कि जिनको गाउट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस है, तो इन सबका डायथिसिस क्या होता है, रूमेटिक होता है। तो ये सब सारे पेशेंट रूमेटिक डायथिसिस के पेशेंट होते हैं, और ये रूमेटिक डायथिसिस होता है साइकोटिक इन नेचर। जनरल एम्यूलरेशन बाय द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन सच एज द कैटरल कंडीशन एंड ल्यूकोरिया, मतलब मैंने आपको उससे पहले एक पॉइंट में बताया था रिलीफ फ्रॉम द अननेचुरल डिस्चार्जेस, तो ये वही बात है कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, कोई डिस्चार्ज के रूप में होगा, और वो डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, कैटेरल होगा, कोई भी कैटेरल डिस्चार्ज है जैसे कि ल्यूकोरिया वगैरह से इसको आराम मिलता है। मेंटल कंडीशन, भाई अब मैं आ जाऊंगा मेन इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो सबसे बड़ा कीड़ा इस पेशेंट के अंदर होता है, मेंटल कंडीशन आर एग्रीवेट बाय द फाइब्रस ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ढूंढोगे ना कहीं नहीं मिलने वाला ये पॉइंट, ना कोई समझाएगा, ढंग से समझ लो। मेंटल कंडीशंस आर एग्रीवेटेड बाय द फाइब्रिनस ग्रोथ, फाइब्रस ग्रोथ अगर बॉडी में कहीं पे भी बनी है, फाइब्रस ग्रोथ का मतलब यह है कि इसने क्या बोला कि इन्फ्लेमेशन होता है, इसको एकदम सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग होता है, प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फिल्ट्रेशन और प्लोरिफरेशन ऑफ टिश्यू होगा, इन्फिल्ट्रेशन और प्लोरिफरेशन ऑफ टिश्यू होगा तो वो जो पार्ट है जहां पे उसको ये पूरा कांड चल रहा है इन्फ्लेमेशन का, वहां पे फाइब्रस ग्रोथ बन जाएगी। फाइब्रस ग्रोथ के कारण ही इसको हम बोलते हैं मायोसम ऑफ एक्सेस, मेरी बात समझो, मायोसम ऑफ एक्सेस मतलब फाइब्रस ग्रोथ। फाइब्रस ग्रोथ कहां से आई, इन्फ्लेमेशन हुआ, सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज, सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज में इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन लंबा चला तो प्रोलॉन्ग हुआ, प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन हुआ तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन और प्लोरिफरेशन हुआ, इन्फिल्ट्रेशन और प्लोरिफरेशन हुआ तो वहां पे फाइब्रस ग्रोथ बन जाएगी। और ये जो फाइब्रस ग्रोथ है ना, ये इसके मेंटल सिम्टम्स को एग्रेवेट करती है। मेंटल कंडीशन इज एग्रीवेटेड बाय द फाइब्रस ग्रोथ, दे ऑलवेज एम्यूलरेट इन जनरल फ्रॉम रिटर्न और ब्रेकिंग ओपन ऑफ अल्सर ओल्ड सोर, समझो मेरी बात, जो फाइब्रस ग्रोथ है उसके यहां पे कई निकनेम आ रहे हैं, ब्रेकिंग ओपन ऑफ अल्सर, ठीक है ना, या फिर ओल्ड सोर, मतलब ये जो फाइब्रस ग्रोथ है, ये फाइब्रस ग्रोथ जब रिजॉल्व होगी, मतलब ये पूरा इन्फ्लेमेशन जो यहां से वहां तक गया, जब वो वापस से रिवर्स में आएगा, तो डेफिनेटली इसकी फाइब्रस ग्रोथ के रिजोल्यूशन के साथ इसके मेंटल सिम्टम्स में एम्यूलरेशन आएगा। ये साइकोटिक डिजीज का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, एक और बार समझो, मेंटल कंडीशन एग्रेवेट बाय द फाइब्रस ग्रोथ, दे ऑलवेज एम्यूलरेट इन जनरल
फ्रॉम रिटर्न और ब्रेकिंग ओपन ऑफ अल्सर, क्योंकि अल्सर हुआ फाइब्रस ग्रोथ हो गई, जब वो अल्सर ब्रेक होगा तो मेंटल सिम्टम्स एम्यूलरेट होंगे, या फिर कोई ओल्ड सोर की बात हो रही है, एंड मार्कडली एम्यूलरेट बाय द रिटर्निंग ऑफ द गोनोरियल मैनिफेस्टेशन, जो कि होता है डिस्चार्ज, ठीक है ना। न्यूरेलजिया एग्रीवेटेड इन द वेदर चेंज, एग्रीवेटेड फ्रॉम चेंज ऑफ बैरोमीटर, मतलब जब भी बैरोमीटर मतलब तापमान में और प्रेशर के अंदर जब बदलाव होता है रेनी सीजन वगैरह में, न्यूरेलजियास बढ़ जाएंगे। इनसोम्निया एंड स्लीपलेसनेस एंड रेस्टलेस स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइकोसिस। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजिव पॉइंट वो कौन सा होता है कि तुम एक पेशेंट को डिसाइड कर लेते हो कि ये साइकोटिक कैरेक्टर का है, तो दैट इज द स्लीपलेसनेस, इनसोम्निया, रेस्टलेस स्लीप, ये साइकोटिक पेशेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसकी मेडिसिन होती है थूजा, थूजा का डिसीजिव पॉइंट ही मैंने ये समझ के रखा है कि जब भी पेशेंट बोल देता है कि यार मैं सवेरे उठ के ऐसा लगता ही नहीं कि सोया, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, तो वो जो है ना वो दैट इज द साइकोटिक कैरेक्टर, उस चीज का जो कैरेक्टर होता है वो साइकोटिक कैरेक्टर में मानता हूं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगली स्लाइड में। स्वेलिंग इन द जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये मैं बता चुका हूं कि कनेक्टिव टिश्यू में इंफ्लेमेशन, प्लोरिफरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, फाइब्रोसिस, फाइब्रस ग्रोथ बनती है, ज्वाइंट में स्वेलिंग होती है, ज्वाइंट में डिपॉजिट होता है, अर्थराइटिस, गाउट विद द डिपोजिशन इन द ज्वाइंट, एंड द रूमेटिज्म इन इज द सोल फीचर ऑफ साइकोसिस। अस्थमा हैव द डीप कनेक्शन विद द साइकोसिस विच एग्रीवेट इन द डैम्प कोल्ड वेदर। ये आप सबको पता है कि जो साइकोटिक कैरेक्टर है, नेट्रम सेल्फ हो गया, थूजा हो गई, आपकी डलकामारा हो गई, अरानिया डायडेमा हो गई, कहीं ना कहीं साइकोटिक मायजम का लंग्स और खासकर लंग्स में अस्थमा से बड़ा लेना देना। और कैसा अस्थमा? जो अस्थमा कोल्ड डैम्प वेदर पे एग्रीवेट होता है, उस टाइप के अस्थमा की बहुत इंपॉर्टेंट दवाई और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है साइकोटिक मायजम से। ये कैरेक्टरिस्टिक है साइकोटिक मायजम का, वार्टी ग्रोथ ऑफ ऑन स्किन, ये आप सब जानते हैं वार्ट्स जो होते हैं वो साइकोटिक कैरेक्टर होता है। मोल्स, एक्जिमा आर द साइकोटिक। फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ अस्थमा एंड लाइपोमा, डिसलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना साइकोटिक कैरेक्टर है। हाइपोथायरॉयडिज्म साइकोटिक डिजीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म साइकोटिक बीमारी है। ट्विंस मतलब जुड़े बच्चे, वार्ट्स ऑन द बॉडी, ऑल आर द साइकोटिक इन नेचर। म्यूकस डिस्चार्जेस एंड कैटर फ्रॉम द थिक ऑफ, कैटर ऑफ थिक म्यूकस, मतलब जो म्यूकस डिस्चार्जेस होते हैं और कैटर ऑफ थिस म्यूकस होता है, थिक म्यूकस, ये साइकोटिक कैरेक्टर है। साइकोटिक पेशेंट की नाक के अंदर म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, जो पल्सेटिला का म्यूकस होता है ना, कैसा येलोइश ग्रीन डार्क पुलुरेन टाइप का, जैसे ऐसा लगता है पस निकल रहा हूं, बिल्कुल वही कैरेक्टर थूजा का और साइकोटिक केस का होता है। कि साइकोटिक केस के पेशेंट के अंदर साइकोटिक केस इज डिस्पोज्ड टू द कैटरल कंडीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डिफरेंट टाइप, स्पेशली ऑफ द नोज, ठीक है ना। म्यूकस डिस्चार्ज एंड कैटर ऑफ थिक म्यूकस। यूरिनरी आइलमेंट आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द साइकोटिक मायजम। आप समझो, मैं आपको बता चुका हूं कि रिप्रोडक्टिव प्लस यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव प्लस यूरिनरी, ये दो चीजें ये साइकोटिक मायजम का बहुत बड़ा साइट है। साइकोटिक मायजम अपने आप को इसी से बताता है, जैसे सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, ग्लीट, वार्ट ऑन द जेनाइटल एक्सेट्रा। ये क्या है? ये भाई, ये इसका कैरेक्टर है काय का, कि साइकोटिक मायजम विशेष अटैक करता है काय के ऊपर, यूरिनरी ट्रैक्ट पे, यूरिनरी ऑर्गन के ऊपर। साइन एंड सिम्टम ऑफ द साइकोसिस मायजम इन जनरल कंटिन्यूस, ठीक है। थिक कोर्स एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर, एक्सेस, एक्सेस इज द व्हाट, एक्सेस इज द थीम ऑफ दिस मायजम। तो थिक कोर्स एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर, रिजिड थिक एंड कॉर्यूगेटेड नेल्स, किसी पेशेंट का नाखून देख के आप बता सकते हो कि वेदर ही इज साइकोटिक और नॉट। कई लोगों के पंजे के नाखून मोटे होते हैं ना, कॉर्यूगेटेड थिक नेल, तो जो थिक हो गया, केराटिन बढ़ गया, मतलब एक्सेस हो गया, साइकोटिक मायजम, ठीक है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट।
साइकोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सेक्सुअल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर, मैं बता चुका हूँ। रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द डिसमेनोरिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टी, ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब विथ स्टरिलिटी, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे के सारे फीचर जो है साइकोटिक हैं इन कैरेक्टर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों की, क्योंकि देखो इसके एनिहिलेशन के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चों के अंदर इसका आइडेंटिफिकेशन कर लें, क्योंकि अगर छोटे बच्चों के अंदर हमने साइकोटिक कैरेक्टर्स को पकड़ लिया तो इनका हम प्रॉपर टाइम पे एंटीवायोलेटिक ट्रीटमेंट करके उनको बड़े होते होते तक इससे हम फ्री ऑफ कर सकते हैं। तो इन द चाइल्ड साइन एंड सिम्टम ऑफ साइकोटिक माइजम इन द साइकोटिक चाइल्ड, बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन चाइल्ड माइलस्टोन्स आर ऑल डिलेड, मतलब छोटे बच्चे जो साइकोटिक बेबीज होंगे उनके माइलस्टोन सब डिले हो जाएंगे, ठीक है। पुअर मेमोरी, मेमोरी वीक होगी, बहुत कमजोर मेमोरी होगी, लो कंसेंट्रेशन लेवल होगा, डू नॉट इंजॉय प्लेइंग, उनको खेलने में मजा नहीं आएगा। एक साल के बच्चे तक आपको मरास्मस देखने को मिलेगा, एक से दो साल के बच्चे तक आपको कंजम्पशन या थेसिस, कंजम्पशन या थेसिस मतलब टीबी की बात हो रही है दोस्तों, है ना, टीबी देखने को मिलेगा, एनेमिया, लियंट्रिक स्टूल, है ना, नो और पुअर डाइजेशन, इन हॉट वेदर कॉलेरा इन्फेंटम, ये सारे के सारे सिम्टम्स होंगे साइकोटिक मायजम के, ठीक है, बच्चों के अंदर, है ना। तो आइए बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की, साइकोटिक पेशेंट या साइकोटिक मायजम के मानसिक लक्षण क्या होते हैं उस बारे में। दोस्तों इसके मानसिक लक्षण जो होते हैं वो इतने ज्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं कि एक साइकोटिक पेशेंट को 10,000 की भीड़ में पहचान सकते हो। बस हमें पता होना चाहिए कि हमको देखना क्या है, क्या चीज है। सबसे पहली चीज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस करा है, आप लोगों ने भी करा होगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, अगर आप आम लोग हैं तो आपने कई बार एक चीज देखी होगी कि कुछ लोग होते हैं उनके साथ कुछ केमिकल लोचा है दिमाग में, ये हमको समझ में आता है व्हेन एवर वी आर मीटिंग टू हिम, जब भी हम मुलाकात कर रहे होते हैं ना, हमको समझ में आता है बात करते करते कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी के साथ। ये जो गड़बड़ वाले जो केसेस होते हैं ना, इनमें से मोस्ट ऑफ द देम आर साइकोटिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो आइए मेंटल सिम्टम पे एक साइकोटिक पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। फिक्स्ड आइडियाज, ओन व्यू, इनके खुद के व्यू बने हुए रहते हैं। जैसे कि हमने थूजा को पढ़ा होगा तो थूजा के अंदर एक फिक्स्ड आइडियाज करके बार बार कहा गया है। ये जो फिक्स्ड आइडिया है ये साइकोटिक कैरेक्टर का ही सबसे बड़ा हॉलमार्क है। मतलब इनकी खुद की पूर्व धारणाएं होती हैं चीजों को लेके। दे हैव देयर ओन स्पेक्ट्स टू व्यू द वर्ल्ड, वो दुनिया को देखने का वो अपने ही चश्मे से देखता है और अपने हिसाब से ही देखता है। उसको बाकी किसी से लेना देना नहीं कि कोई क्या है। इसकी फिक्स आइडियाज होते हैं, इसके आइडिया फिक्स होते हैं। जैसे नास्तिकता, जरूरत से ज्यादा आस्तिकता, ये दोनों फिक्स्ड आइडियाज हैं। नास्तिक मतलब मैं तो मानता ही नहीं कि ईश्वर होता है, ये फिक्स्ड आइडिया है, ही इज फिक्स्ड। पूरी दुनिया ईश्वर की भक्ति कर रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जरूरत से ज्यादा आस्तिक होना, भगवान में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ विश्वास रखना भी कहीं ना कहीं साइकोटिक कैरेक्टर का निशानी है। ये मैं भगवान से संबंधित नहीं बोल रहा हूं, ये फिक्स्ड आइडिया की मैं बात कर रहा हूं कि इनके खुद के ही व्यू, खुद के ही परसेप्शंस होते हैं चीजों को लेके। कि अब ये कैची है, ये साफ नहीं है, इसको और साफ करना है, तो उसका खुद का फिक्स्ड आइडिया कि मैं इसको इतनी देर तक अल्कोहल के अंदर रखूंगा, उसके बाद मैं इसको जो है ऑटोक्लेव पे रखूंगा, तभी ये कैची साफ होगी। जबकि मैं जानता हूं इसको सिर्फ साबुन से धो दोगे, धूप में सुखा दोगे, साफ हो जाएगी। पर साइकोटिक कैरेक्टर का ऐसा नहीं है। साइकोटिक पेशेंट का खुद का ही एक थीम होता है, खुद का ही एक फिक्स्ड आइडिया होता है। वो एक लकीर का फकीर होता है, वो उस लकीर के से टस का मस नहीं होगा। और यही फिक्स्ड आइडिया वाली चीज इसके अंदर सस्पिशियस पैदा करती है, सस्पिशियसनेस। इसको बहुत ज्यादा शक्की मिजाज का होता है। आप हमेशा देखना, कई लोग आपको सस्पिशियस दिखेंगे, शक्की मिजाज के होंगे, ठीक है ना। तो ये जो शक्की मिजाज वाले जो लोग होते हैं, ये होते हैं कहीं ना कहीं साइकोटिक पेशेंट। एक्सेस नेचर ऑफ साइकोटिक माइंड एंड बिहेवियर, एक्सेसिव नेचर मतलब कोई भी चीज को एग्जेग्रेट करके, एक्सेसिव रिस्पॉन्स, एक्सेसिव रिएक्शन, जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट करना। किसी भी चीज के अंदर जब कम रिएक्शन से काम चलता है तो नहीं, कम नहीं, हम ज्यादा ही करेंगे, हम ज्यादा करेंगे क्योंकि हमारा थीम एक्सेस है और हम एक्सेसिव करेंगे। दिस इज व्हाट इज द थीम ऑफ द साइकोटिक कैरेक्टर। कंपल्सिव नेचर एंड बिहेवियर,
एसओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये ओसीडी के जितने केस होते हैं ना, ये सब साइकोसिस, क्योंकि ऑब्सेशन है इनको। किसी को सफाई का ऑब्सेशन है कि मेरे को इसको अच्छे से साफ करना है। अब जैसे मैंने कैची का एग्जांपल लिया, उसका उसका खुद का तरीका है। वो फिक्स्ड आइडिया के कारण ही कंपल्शन आ रहा है। कंपल्शन पैदा कहां से होता है, माइंड में कंपल्शन कहां से होता है कि मेरा एक लेवल पर आइडिया फिक्स्ड है कि मेरे को बस चीज इस लेवल की चाहिए, और उस लेवल की चीज में जाने में मैं हमेशा वहां तक आऊंगा। और यही चीज जो फिक्स्ड आइडिया, जब हम बहुत ज्यादा लकीर के फकीर हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो वही बिहेवियर आगे जाके साइकोलॉजिकली कहलाता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्योंकि ये मेरा कंपल्शन बन गया। ये पहले मेरा फिक्स्ड आइडिया था कि ये कैंची साफ कैसे करना है, पर अब वो मेरा फिक्स्ड आइडिया जो था वो मेरा कंपल्शन बन चुका है, मेरा ऑब्सेशन बन चुका है कि अब मैं इस कैंची को यूज करता हूं और जबरदस्ती में इसको घंटों साफ करता हूं, इसको मैं ऑटो क्लेम में लग सकता हूं, भाप दिखाता हूं, कि जबकि मेरे को कोई सर्जरी नहीं करनी है, सही मेरे रोज की दिनचर्या में यूज होने वाली चीज है, ठीक है ना। पर फिर भी क्योंकि मेरा फिक्स्ड आइडिया था, वो फिक्स्ड आइडिया जब एक लेवल को शूट करके ऊपर जाएगा तो वो ओसीडी में बदल जाएगा। तो जितने भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, ये सारे के सारे साइकोटिक होते हैं। कंपल्शन ऑफ वर्कोहोलिज्म, ठीक है ना, चोरी ओवर, है ना, ओवर वर्क, एम्बिशियस, एम्बिशियस लोग, कंपल्शन। देखो एम्बिशन भी एक कंपल्शन का फॉर्म है, एम्बिशन भी एक फिक्स्ड आइडिया का फॉर्म है, कि उसने अपने को अपने भविष्य में एक एक एक, एक जगह वो कल्पना कर रहा है अपने खुद की, और ये कल्पना है कि मेरे को इस मुकाम तक पहुंचना है। ये इसका फिक्स्ड आइडिया जो था ना, वो अब इसका कंपल्शन बन चुका है, ओसीडी बन चुका है, और यही कंपल्शन इसको वर्कोहलिक बनाए रखेगा। तो इसलिए साइकोटिक जो पेशेंट होते हैं ना, वो कई बार तो मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, पर ये लोग कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बिना बात की मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है ना। सस्पिशियस, सीक्रेटिव, मिस्चीवियस, फॉरगेटफुल एंड अब्सेंट माइंडेड, अब क्योंकि इनके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सेस में चल रही होती हैं, तो ये फ्रंट में कई बार आपको अब्सेंट माइंडेड दिखेंगे। इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इनके फिक्स्ड आइडियाज चल रहे हैं, फिक्स्ड आइडियाज का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, फिक्स्ड आइडियाज को कैसे चीजों को बरकरार रखा जाए वो चल रहा है। तो इसलिए फ्रंट में, प्रेजेंट में ये क्या आपको फॉरगेटफुल और अब्सेंट माइंडेड भी दिखेंगे। दिस इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइकोटिक पेशेंट। प्री ऑक्यूपेशन ऑफ माइंड, जो मैंने अभी बोला, एक्सेस ऑफ थॉट, ही कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम, ठीक है ना, वो उन थॉट से आगे ऊपर जा ही नहीं पाता, वो मतलब उसको उससे बाहर नहीं आ पाएगा, वो मतलब उसी में उलझा रहेगा। इसलिए आपको प्रेजेंट में आपको क्या दिखेगा, वो अब्सेंट माइंडर दिखेगा। इन द बिजीज सिचुएशन, स्लो रिएक्शन एंड स्लो स्पीकिंग, हेड कंफ्यूज्ड, मतलब बात करेगा कुछ भेजा ही कहीं और है उसका, किसी और डायमेंशन में वो जी रहा है, तो फिर स्लो रिएक्शन और स्लो स्पीकिंग, मतलब बोलेगा धीरे। हेड कंफ्यूज्ड, इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग, वेरी इजीली मूव्ड और इंक्लाइन टू टीयर्स, ये एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है साइकोटिक मायाजम का। वेरी टीयरफुल विदाउट कॉज, बिना बात के रोने लगेगा। इरिटेबल, क्रॉस, एब्सेंट माइंडेड, फाइंड डिफिकल्टी इन गेटिंग राइट वर्ड, क्यों, क्योंकि वो प्री ऑक्यूपाइड है दिमाग उसका, उसको प्री ऑक्यूपेशन भगवान जाने किन चीजों को लेके है, उसके ऑब्सेशन को लेके, उसके फिक्स्ड आइडियाज को लेके, उसके सस्पिशियस को लेके, तो दैट इज वाई फाइंड डिफिकल्टी इन गेटिंग राइट वर्ड, क्योंकि वो भाई अपना एब्सेंट माइंडेड है तो राइट वर्ड ढूंढेगा कहां से। ही फॉरगेट रिसेंट हैपनिंग्स, क्योंकि ही इज एब्सेंट माइंडेड, बट रिमेंबर्स डिस्टेंट इवेंट वेरी क्लियरली। डिस्टेंट इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो सालों पहले हुआ है, काफी समय पहले हुआ है, उसको तो क्लियरली रिमाइंड करके रखता है, पर ये रीसेंट हैपनिंग्स को भूल जाता है। रीसेंट हैपनिंग्स को क्यों भूल जाता है, क्योंकि ये फॉरगेटफुल है, ये एब्सेंट माइंडेड है, इसका माइंड जो है कहीं और है, ये प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स है। अब हम आते हैं हेड पे। पेन इन वर्टेक्स, दोस्तों जो पेन इन वर्टेक्स होता है ना, ये साइकोटिक पेशेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है, आपको पता होना चाहिए। ड्राई हेयर्स, थूजा, रफ, लश्चरलेस, ड्राई, ब्रिटल हेयर्स, बिल्कुल रूखे सूखे बाल, है ना। एलोपेशिया एरियाटा एंड बाल्डनेस इन द सर्कुलर स्पॉट इज वन ऑफ द ट्रेड हॉलमार्क ऑफ साइकोटिक मायाजम। ये जो एलोपेशिया एरियाटा का केस होता है ना, सबको पता है एसिड फ्लोरोस की दवा, सबको पता है फॉस्फोरस दवा है,
पर काम क्यों नहीं करती भैया? क्योंकि ये साइकोटिक कैरेक्टरिस्टिक इसको गवर्न करता है। जब तक आप थूजा जैसा एंटीसाइकोटिक साथ में नहीं दोगे ना, तो वो बाल उगेंगे नहीं। अगर उगेंगे तो नए स्पॉट बार बार आते जाएंगे, ठीक है ना। फेस फेस कंजेस्टेड ब्लू वाइटी इरप्शंस ऑन द फेस, फिशी टेस्ट इन माउथ, फिशी टेस्ट इन माउथ, ठीक है। कैटरल कंडीशन ऑफ आई विथ थिक म्यूकस, हमने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन की कैटरल कंडीशन होती है विद द थिक ग्रीनिश येलोइश म्यूकस डिस्चार्ज, पल्सेटिला का एग्जांपल भी दिया, तो आई की बिल्कुल वैसी की वैसी कंडीशन होगी इनके, है ना। याद रखना ये कोई ड्रग पिक्चर नहीं है, इसको थूजा से को रिलेट ना कर देना, ठीक है ना। ये कोई ड्रग पिक्चर थूजा का नहीं बता रहा हूं मैं, ये साइकोटिक मायसम के कैरेक्टर्स बता रहा हूं। एंड इट विल बी होली एंड सोली अ कोइंसिडेंस कि आपको ये ड्रग पिक्चर देख के कोई मेडिसिन अगर याद आ रही है, ये मैं सिर्फ साइकोटिक मायसम की बात कर रहा हूं, ठीक है। आइस के अंदर हमने बता दिया कि आइस के अंदर कैटरल कंडीशन होगी, और उसके अलावा नोज सेम कैटरल कंडीशन इन द नोज, लॉस ऑफ स्मेल, कैटर ऑफ नोज विथ थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। मैंने बताया कि साइकोटिक मायसम हैज अ वेरी स्पेशल एफिनिटी फॉर द लंग्स, और लंग्स के अंदर अस्थमा ब्रोंकाइटिस होता है। अस्थमा का जो एग्रीवेशन होता है वो ह्यूमिड डैम्प वेट कोल्ड रेनी वेदर के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी के बाद हम आएंगे अगली स्लाइड पे, साइन एंड सिम्टम ऑफ साइकोटिक मायसम के अंदर हम देखेंगे यूरिनरी, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे यूरिनरी एंड फीमेल। यूरिनरी में मैंने बताया यूरिनरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ द साइकोटिक इनहेरिटेंस। तो वहां पे सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, ब्लेनाइटिस, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, वाइटी इरप्शन ऑफ ग्लैंड्स, मोस्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रबल आर अंडर द साइकोटिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमेल में सिस्ट फॉर्मेशन इन ओवरी, जैसे पीसीओडी एंड पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोटिक मायसम, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ फिलोपियन ट्यूब प्रोड्यूसिंग स्टरलिटी एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकोटिक मायसम इन द फीमेल, ओके। एंड द लास्ट स्लाइड, अब नाउ वी आर गोइंग टू द फाइनल स्लाइड विच इज साइन एंड सिम्टम ऑफ साइकोटिक मायसम ऑन द स्किन। अब एज वी ऑल नो द स्किन के ऊपर इमेंस इन्फ्लेमेशन और ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू विज ट्यूमर वाट सिस्ट एटसेट्रा, ठीक है। स्किन के ऊपर लोकल एंड जनरल इडीमा, इडीमेटस और अनासारका इडीमा, इडीमा जैसी बीमारियां जो सूजन आती है, पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है। ईचिंग इरप्शन ऑन फेस, बार बार ईच, दाढ़ी बढ़ने पे, दाढ़ी कटवाने पे खुजली चलना, इरप्शन एट द सर्जिकल साइट आफ्टर ऑपरेशन एंड वार्टी एंड कंडाइलोमेटस इरप्शन ऑन स्किन। तो दोस्तों ये था बहुत बड़ा सा एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि व्हाट इज साइकोटिक मायसम, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, इवोल्यूशन, हिस्ट्री, व्यूज ऑफ द डिफरेंट पाइनियर्स। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है जितना कंप्लीट है साइकोसिस के बारे में, इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं, पूरे यूट्यूब पे आपको शायद ना मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।